मुझे गणगिन लगा गया। और पुष्प की दृष्टि क्यों कर रहे हैं? खैर वो समझ गए मेरी कोई गलती हो गई, वो समझ गए मेरे को अभी उनको पत्नी का स्थान बाम पार्श्व में, अभी बाम पार्श्व में स्थान नहीं, सामने गुरु का स्थान दे रहे। अभी सती ने देखा मेरे को तो शंकर जी त्याग दिया हृदय से और मेरे को कथा नहीं सुना रहे, पत्नी की स्थान नहीं दे रहे हैं, फिर तो ये शरीर रख करके मेरे क्या लाभ है? और ये शरीर में नहीं रखूंगी क्योंकि मेरे को ने त्याग दिए। अभी सती कोई सुजग ढूंढ रही थी, समय ऐसे कोई आए मैं बहाना बना करके ये शरीर को मैं त्याग दूं, बस अभी ये समय आ गया। इसलिए माँ ने शंकर जी की बगैर आदेश से माता जी ने चले गए, चुप गए, देखा सारे देवता को वहां पर यज्ञ भाग है, केवल श्री शंकर जी के लिए कोई यज्ञ भाग नहीं। माता सती को बड़ा क्रोध आया, बोले शिव जो तो अक्षर है, हाँ कोई उच्चारण कर दे उसको कल्याण हो जाता है, उनका नाम है शिव। शिव मतलब क्या है? जो कल्याणमय, जो मंगलमय। और मेरे पिता दक्ष प्रजापति हैं, तो बोले एक ही व्यक्ति जो शंकर जैसे व्यक्ति को अनादर करने वाले, बोले जब तक ये शरीर रहेगा ना सारा दुनिया मेरे को क्या बोलेंगे, दक्ष प्रजापति की बेटी, ऐसे दुष्टों की साथ में मेरे संबंध बनी रहेगी, इसकी मैं बेटी हूँ, इसलिए न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी, इसलिए ये शरीर को मैं त्याग दूंगी। इसलिए यहाँ शिक्षा देते हैं, बोले जिनके प्रिय ना राम वैदे ही तजी और कोटि वैर समझ यद्यपि परम सने। यहाँ पर शिक्षा देते हैं, आप लोगों ने मीरा का नाम सुने हो? कौन कौन मीरा का नाम जानते हो? सब जानते हो। जब मीरा मीरा भजन कर रही थी, इनका सारे पूरा परिवार विरोध थी, इनका पति, इनकी देवर, इनकी जेठ, इनकी ननद, इनकी सास, तो वहां के कुत्ते तक भी उसको पीछा नहीं छोड़ते। आप देखना इसी जगत में बेटा अगर सिगरेट फूंकता है, शराब पीता है, बोले वेरी गुड, मेरा बेटा बड़ा एडवांस कर रहा है, लेकिन अगर थोड़ा माला जपना शुरू करते, गले में कंठी, बोलिए ये कोई उम्र है भजन करने का? अभी से जब गले में कंठी माला तुम क्या पहन लिया अभी क्या? लेकिन कोई गलत काम करना उसके लिए कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन भक्ति करना सारा दुनिया इसको विरोध बन जाते हैं भक्ति करने वालों का है। इसलिए मीरा ने गोस्वामी तुलसीदास को पास में पत्र लिखे, बोले प्रभु बताओ अभी मुझे क्या करनी चाहिए, ये पूरा के पूरा परिवार मेरे विरोध हो गए भक्ति के लिए। तब गोस्वामी तुलसीदास जी उनको पास में पत्र लिखते हैं, बोले जिनके प्रिय ना राम वैदे ही तजी और कोटि वैर समझ यद्यपि परम सने। जिनका प्रिय राम और सीता नहीं है, हैं यद्यपि हमारी स्नेह के पात्र है, करोड़ शत्रु मान करके त्याग दो। उपमान देते हैं त्यजत पिता प्रह्लाद, प्रह्लाद ने अपना पिताजी को त्याग दिया, क्यों? जब प्रह्लाद भजन करता था पिताजी ने विरोध किया, बोले भगवान मैं हूं और कौन सा भगवान आगे, लेकिन उन्होंने पिता को त्याग दिया। भरत ने अपना माँ को त्याग दिया, जब भरत ने देखा मेरी सीता और राम को मेरी माँ ने वनवास में भेज दिया, बोले जिंदगी भर कभी तुमको मैं माँ कभी नहीं बोलूंगा है। इसलिए श्री बलि महाराज ने अपना गुरु को त्याग दिया, शुक्राचार्य को त्याग दिया, क्यों? जिस समय दान देने जा रहा था शुक्राचार्य, बोले भगवान को दान मत दिया कर, बोले इस गुरु जी कोई जरूरत नहीं, जो भगवत भक्ति में हमें बाधा प्रदान करते हैं। गोपियों ने अपना पति को त्याग दिया। इसलिए यहाँ पर सती ने देखा ऐसे पिताजी के साथ में नाम रखना बेकार है, इसलिए वहीं पर उन्होंने समाज में बैठ गई और शरीर से जो गागनी को प्रकट करके उसमें ही अपना सुहा कर दी। इतने में जितने शंकर जी के भक्त थे, भले मैया ने शरीर त्याग दे दी है तो मार मार पीटो पीटो शुरू कर दिया, लेकिन श्री भृगु ऋषि ने रिभु नाम कुछ दैत्य को सृष्टि किए, उन लोगों ने शंकर जी के जितने चर थे ना मार मार कर भगा दिया, और उन्होंने शंकर जी को शिकायत की ऐसे ऐसे माता ने शरीर त्याग दी, शंकर जी के जटा को उखाड़ कर पटक दिया। वहां से वीरभद्र प्रकट हुआ, बोले बताओ क्या करनी चाहिए, बोले जाओ सारे चक्रियों को विध्वंस कर दो। और वो वहां पर आए, शंकर जी की जब अपमान हो रही थी, कोई ऐसे ऐसे आग कर रहे थे, बहुत बढ़िया है शंकर जी का अपमान हो रहा, किसने हंस रहा था, कोई ताड़ी ऐसे हिला रहे थे,
बोले शंकर जी के अपमान में तुम लोग आनंद हो रहा था ना, जो दाढ़ी हिला रहे थे ना दाढ़ी उखाड़ दिया उनको, जो आग दिखा रहे थे आग ही निकाल दिया, उसी समय जो हंस रहे थे दांत तोड़ दिए। यहाँ शिक्षा देते हैं, जब किसी महान पुरुष की अगर कहीं अपमान हो, कोई साधु की अगर कहीं अपमान हो ना, शिक्षा देते हैं तो खबरदार कभी भी उसको साथ मत दिया करो, कभी उनके साथ मत दिया करो। अगर साथ दोगे ना, तुम जितने बड़े महान व्यक्ति क्यों नहीं हो, तुम्हारी पतन होगा। भृगु ऋषि कितने बड़े ऋषि, जिंदा जिंदा दाढ़ी उखाड़ दिए उनको, किसके आंख निकाल दिए, और जितने यज्ञ में वो जितने देवता लोग थे ना, मार मार करे किसके हाथ तोड़े किसकी पाम तोड़े, सबको भगा दिया। शिक्षा देते हैं, तुम जितने बड़े देवता क्यों नहीं हो, अगर किसी महान पुरुष की कहीं अगर अपमान हो रही है, अगर तुम अगर वहां कहीं चला गया तो कोई खैर नहीं, तुमको दंड भोगना पड़ेगा। ये सब चीज शिक्षा देते हैं। भगा दिया किसको, सबको वहां से। इतने में सबके सब श्री ब्रह्मा जी के पास में गए, श्री ब्रह्मा जी फिर शंकर जी के पास में गए। शंकर भोले है, शंकर जी भोले हैं, शंकर जी थोड़ी सी में संतुष्ट हो जाते हैं और थोड़ी सी में रुष्ट हो जाते हैं। देखो एक छोटी सी कथा सुनो। बोले एक समय को ये ब्राह्मण असत संग से वो चोर हो गया। अब वो चोरी करता था, एक दिन चोरी करते करते कुछ हाथ में आया ही नहीं। अभी एक जंगल में पहुंचा तो वो जंगल में अभी हो गया अंधकार, ऐसे भटकते भटकते देखा कि मंदिर है। उसने अंधकार हो गया था, उसने किया क्या था, कार्तिक का महीना, अपना कपड़े को उसने जलाया, जला करके देखा शिवलिंग है, और शिवलिंग के ऊपर में देखा एक कलश पीतल का कलसी है, और उसमें पानी, उसमें जो छेद और एक बूंद शंकर जी के सर के ऊपर में पानी गिर रहा था। उसने सोचा भैया आज का खर्चा तो निकल जाए, उसने हाथ बढ़ाया, हाथ गया नहीं। इतने में शंकर जी के सर के ऊपर खड़े हो गए है, शिवलिंग के ऊपर खड़े होकर के जब वो कलसी को उतार रहे थे ना, बाद शंकर तो प्रकट हो गए है। बोले तृप्तम अस्मि परम ब्रूहि, में प्रसन्न हूँ, गर्मा को गर्मा को। लेकिन वो ब्राह्मण घर का था वो चोर, उसने देखा मैंने अपराध की, शंकर जी के सर पर खड़े हो गए। लेकिन शंकर जी देखो कितने दयालु शंकर जी हैं। बोले देखो कोई तो मेरे थोड़ा बेल पता कोई मेरे को सर पर देकर ठुकरा देता है, कोई थोड़ी सी फूल देकर ठुकरा देता है, फल देकर के, लेकिन तू तो पूरा के पूरा आज मेरे को दे दिया, पूरा के पूरा तुम समर्पित हो गया, कंप्लीट सरेंडर हो गया, मैं प्रसन्न हूँ गर्मा को। लेकिन वो समझ गया मेरी अपराध हो गई, शंकर जी के चरण में सीधा शंकर जी के चरण में लेट गया। बोले प्रभु जी मेरी अपराध हो गई, आप तो भोले हो, लेकिन मेरे अपराध को भी आप उसको अपराध नहीं लिया, प्रभु मेरे को आशीर्वाद करो, कभी ऐसे जैसे कभी गंदी काम नहीं करे प्रभु, जो माफी मांगे ना शंकर जी प्रसन्न हो गए। बोले जाओ तेरे को ये गरीब ने इतने गंदा काम कराया, तेरे को मैं आशीर्वाद देता हूँ, आज से तुम स्वर्ग में जो धन कुबेर है, नाम सुने धन कुबेर, जितने सारे पैसा की खजाना जिसके पास में, ट्रेजर जिसके पास में, जाओ तो धन कुबेर बन जाओ। शंकर जी उनको धन कुबेर बना दिया स्वर्ग में है। इसलिए शंकर जी बड़े दयालु शंकर जी, बड़े कृपालु शंकर जी, प्रसन्न होकर के फिर शंकर जी आए और दक्ष प्रजापति के सर पर बकरी का सर लगवा दिया है, और जथा जो के जो यज्ञ हो रही थी सारे यज्ञ को शंकर जी पूरी कर दिया। शंकर जी बोले श्री भोले बाबा की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्री राधे। कहते जो मनु महाराज के जो तीन बेटियां थी और उनके दो बेटे थे, दो बेटे में एक बेटा है कहते श्री उत्थान पाद, कहते श्री उत्थान पाद राजा के कहते उनकी दो पत्नी है, एक है सुनुति और एक है सुरुचि। कहते देखना हमारे सबका भी दो दो पत्नियां हैं, हम केवल उत्थान पाद मतलब जीव है, जब ये जीव गर्भ में आता है ना, देखना उसको प्यार ऊंचा रहता है, सर नीचा रहता है, हैं सर नीचा पैर ऊंचा रहता है, समझो जीव ही उत्थान पाद है। लेकिन हर व्यक्ति का दो पत्नी है, कहते एक है सुनीति, सुनीति मतलब जिसकी नीति अच्छी नीति है,
और एक होते स्वरुचि, सुरुचि मतलब अपना स्वरुचि, अपना मनमानी ढंग से जो करने वाले उनको कहते हैं स्वरुचि। इसका मतलब है देखना, कभी कभी हमारी जो मन है ना अच्छे मार्गों पर चलता है, सुंदर अच्छे कर्म करने के लिए इच्छा करती है, लेकिन कभी कभी देखना स्वरुचि मतलब अपना मनमानी जो वो चाहता है वो गलत रास्ता पर चलती है। कहते जो सुनीति, कहते अगर कोई सुनीति को अपनाएगा उसको बेटा कौन है, बोले ध्रुव है। कहते जो सुनीति, कहते जगत में बहुत सारी नीति है, एक है विदुर नीति है। कहते जो विदुर नीति है सर्वश्रेष्ठ नीति, श्री विदुर नीति को बोलते हैं। चाणक्य नीति भी है, एक कूट नीति है। नीति तो बहुत तरह का है, लेकिन सबसे जो बढ़िया नीति बताया कौन सा नीति है, कहते जो विदुर नीति है सर्वश्रेष्ठ नीति। बोले क्यों, आप लोगों ने विदुर जी की कथा सुने होंगे, उन्होंने शूद्र जाति में तो जन्म हुए लेकिन कभी उन्होंने दुर्योधन का पक्ष नहीं लिया। उन्होंने किसका पक्ष दिया है, उन्होंने पांडवों का पक्ष दिया है। लेकिन ये पांडवों का पक्ष दिया इसलिए उनको जो राजपद मंत्री पद में था ना, इसलिए ये मंत्री पद उनको त्याग करना पड़ा। लेकिन भले ही ये मंत्री पद को मैं त्याग दे दूंगा लेकिन मैं कभी कूटनीति में नहीं जाऊंगा, दुर्योधन पक्ष नहीं देगा। इसका मतलब है भले ही जीवन में जैसे स्थिति की नहीं आ जाए लेकिन हमें कभी धर्म का मार्ग हमें त्याग नहीं देनी चाहिए। इसलिए उन्होंने पांडवों का ही संग दिया, पांडवों का ही संग दिया, तभी तो भगवान एक दिन आ करके देखना सबसे ऊंची प्रेम सगाई। इसलिए दुर्योधन को मेवा त्यागे और साग साग विदुर घर खाए। इसलिए एक दिन तभी भगवान आ करके उनको विदुर जी घर में भगवान केले का छिलका व साग वहां दिखाते हैं। अगर जीवन में उत्तम नृत्य को अपनाएगा ना, एक दिन ठाकुर जी हमारे घर में भी आएंगे और भगवान हमारे दिया हुआ वस्तुओं को ठाकुर जी भी ग्रहण करेंगे। अब एक भजन को सुन लो, भजन बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे, सब सुन लो, जय जय श्री राम, सबसे सबसे ऊंची सबसे वृंदावन
प्रेम से बोले
प्यार से बोलो प्रेम से बोलो श्री वृंदावन हे वृंदावन मेरा हे कुंजी वर्धन प्रेम से बोलो हे कवि गजन हे गोवर्धन हे कांदूर हे कृष्ण हे दामन गुण में हे अक्षरा गुण में हे गोविंद गुण में हे यदि गुण में हे मुखर गुण में हरे प्रेम से बोलो हे कीर्ति से बोलो हे आवाज बिहारी हरे प्रेम से बोलो हे राधा गुण में हे श्याम गुण में हे कृष्ण गुण में हे दामन गुण में हे प्रेम से बोलो हे बलसने में हे चंद्रमा में हे चंद्रमा में हे गहरवन में हे प्रेम से बोलो हे प्रेम से बोलो हे सिंधुनाथ हे वृंदावन में हे पुण्यपुर में हे सेवापुर में हे विधिपुर में हे मंगल विहार हे पुण्य विहार हे गिर विहार हे यमुना जी में हे श्रीगुरु में हे महावर में हे देवन में हे देवभवन में हे पावन में हरिवन में हे भगवान में पहले सबसे जो उत्तम नीति का दी है विदुर नीति है, इससे बढ़िया नीति कुछ नहीं। अगर जीवन में अगर अच्छी नीति को अपनाओगे उसका रिजल्ट फल क्या है, पहले से ध्रुव है, मतलब जीवन में तुम्हें अक्षय अव्यय और चिरस्थाई वस्तु तुम्हें प्राप्ति होगी। बोले सुरुचि अपना मनमानी रुचि से अगर कोई काम करोगे उसको बेटा का नाम उत्तम है। बोले उत्तम कैसे हो गया, अधम होनी चाहिए। लेकिन हम आगे सुनेंगे करेंगे उल्टा पुलटा, लेकिन सोचो कि मैं जो कर रहे हो ना सही कर रहे, इसलिए हम आगे सुनेंगे। जब श्री ध्रुव जी जंगल में गए जख्यों के साथ में उनको लड़ाई हुई और लड़ाई होकर उससे में ही वो मारा गया। उसकी मैया बच्चे को ढूंढने के लिए गई तो चारी तरफ में आग लग गई और आग में ही सुहाग गई। मतलब अगर कोई अपना मनमानी रुचि में चलेगा, प्रभु की भक्ति रुचि में नहीं चलेगा, एक दिन हमें हमारा जीवन भी ऐसे समाप्त हो जाएगी। एक दिन जब ये सुरुचि घर में आई वो अपना नियम बनाना शुरू कर दी। बोले महाराज जी अगर ये सुनीति घर में रहेगी ना फिर मैं नहीं रह सकती। अगर मेरे को अपना घर में रखना चाहते हो पहले सुनीति को निकालो। अब देखना जगत में अगर कोई कंठी धारण किया, तिलक लगाया, माला कर दी, भजन कर दिया ना, कुछ लोगों को उसमें बड़ी नफरत है, है एलर्जी है। बोले ये क्या तिलक कंठी माला, ये सब नहीं चलेगा घर में, हमारे घर में ये सब चीजें नहीं चलेगी। हमारे घर में तो शराब आएगी, हम मदिरा से बना करके मांस खाएंगे, उल्टा पुलटा चीजें होगी। पहले सब निकालो सब, ये कंठी तिलक माला क्या, ये सब घर में नहीं चलेगी, निकालो इसको। लेकिन अभी नई नई बहू आई ना, इसलिए पहले पत्नी क्या लगती है, ये चंद्रमुखी, बाद में फिर सूरजमुखी, फिर ज्वालामुखी। पहले सुनीति तो थी पहले से, हाँ चंद्रमुखी। अभी नई नई घर में रानी आई ना, हाँ नई नई घर में रानी आई, इसलिए उन्होंने सुरुचि की बात सुन करके ना उन्होंने घर से सुनीति को निकाल दिया। इसलिए कभी कभी हम भी ऐसे ये सुरुचि की कथा सुनकर सुनीति को घर से कभी अलग कर देते हैं, प्रभु की भजन को हम घर से निकाल देते हैं। अभी एक दिन छोटा बेटा बैठा हुआ था पिताजी की गोद में, उत्तम। अभी हर बच्चों की इच्छा होता है पिताजी की गोद में बैठे। जो बैठने के लिए गया वहीं पर थी सुरुचि, बोले पिताजी की गोद में बैठोगे, पिताजी की गोद में बैठना चाहते हो पहले भगवान की भजन करो, अरे ये शरीर को त्याग दो, फिर मेरे कोख से जन्म लोगे ना फिर जा करके पिताजी की गोद में बैठ सकते हो। लेकिन वो तो क्षत्रिय का बच्चा है, सुनते ही इतना उसको कष्ट हुआ, लेकिन रो रो करके उसने अपना माँ को पास में गया।
और उन्हें सारे बात को बताया, लेकिन मैया कौन है? सुनीति, सुनीति। अगर साधारण मैया होता ना, बोले तुमने ये बात कैसे सुन लिया, तुमने दो थप्पड़ क्यों नहीं लगा दिया उसको? क्योंकि तू बड़ा बेटा है ना, राज सिंहासन में तेरा ही अधिकार, इसका तो विद्रोह करना शुरू कर दो। लेकिन वो कौन थी? बोले सुनीति, वो उत्तम नीति को अपनाने वाली है। इसलिए उसने कहा, देखो तेरे को उसने एक अच्छी बात बताई। क्या अच्छी बात बताई? बोले भगवान की भजन करो, ये सबसे बढ़िया। लेकिन और एक गंदी भी बात बताई, मेरे कोख से जन्म लो। बोले भैया, इसकी कोख से जन्म लेकर फिर क्या मिलेगा? अगर भगवान की भजन करोगे, जगत का पिता तुम्हें कितने स्नेह दे सकता है, भगवान उससे करोड़ गुण तुम्हें स्नेह दे सकते, प्यार दे सकते हैं। एक बार उनकी गोद में बैठ जाओगे ना, कभी तुम्हें उतरने का जरूरत नहीं। इसलिए उसने एक अच्छी बात बताई, भगवान की भक्ति करो बेटा, जाओ भगवान की भजन करो। जिसको एक बार भजन करोगे ना, ये क्या पद है तुम्हें? अक्षय पद गोलोक वैकुंठ तुम्हें प्राप्ति होगी। बोले माँ, वो भगवान कहाँ रहते हैं? बोले बेटा, उनको पाना बड़ा कठिन है, उनके लिए कठोर तपस्या करना पड़ेगा। बोले माँ, मैं क्षत्रिय का बच्चा हूँ, मेरे को आशीर्वाद दे। उसने माँ की आशीर्वाद लेकर के, मैया की परिक्रमा करते हुए आशीर्वाद लेकर के। देखो माता जी की जो आशीर्वाद है ना, बहुत बड़ी चीज है, ये बहुत बड़ी चीज है, माता की आशीर्वाद है। जो व्यक्ति माता जी के चरण छूते हैं ना, पिताजी के चरण छूते हैं, वो लोग हृदय से आशीर्वाद देते हैं, हृदय से आशीर्वाद देते हैं, और उनका जो आशीर्वाद बहुत बड़ा चीज होता है। इसलिए एक समय किसी व्यक्ति ने हमारे जो बड़े गुरुजी, हाँ ध्यान देकर सुनो, हमारे बड़े गुरुजी को बोले, बोले गुरुजी, बेटा मेरा बात नहीं सुनता, पहले तो कहीं थोड़ा बहुत तो सुन लेता था, लेकिन पता नहीं शादी के बाद में पता नहीं क्या बुद्धि हो गया, हाँ वो तो बात ही नहीं सुनता। देखो हमारे गुरुजी ने क्या कहा। बोले बेटा रामायण पढ़ते हो? गुरुजी, बेटा रामायण पढ़ते हो तू? बोले नहीं। बोले अगर तू रामायण पढ़ता, अगर बच्चों को अगर रामायण पढ़ाता है ना, रामायण पढ़ता तो वहाँ लिखा हुआ, प्रात उठई रघुनाथा और मात पीत गुरु नमैया। और रामायण देखे ना, भगवान कैसे सवेरे उठकर पितामह के चरण छूते हैं। जब दशरथ महाराज सोते हुए होते हैं, प्रभु राम स्वयं चरण की सेवा करते हैं। हमारे बड़े गुरु जी बोले, अगर तो रामायण पढ़ता है ना, अगर बच्चों को रामायण पढ़ाता, ये संस्कार पढ़ता, फिर बच्चे उठकर तेरे पितामह तुम्हारी चरण सेवा करते, चरण छूते। लेकिन रामायण तो पढ़ा ही नहीं, बच्चों को तो रामायण पढ़वा ही नहीं, स्मार्टफोन तो पकड़ो मत तुमने, 20-20 हजार, 50-50 हजार की रुपया की तुमने स्मार्टफोन पकड़ा दिया बच्चों को। गीता तो पढ़ा ही नहीं, भागवत तो खुद तो भजन किया ही नहीं, खुद तो रामायण पढ़ा ही नहीं, बच्चों को तो सारे खराब संस्कार दिया। बताओ तुमको बच्चे कहाँ आदर, हमारे गुरु जी की बात कर रहे बोल रहे थे, बताओ तुम्हें बच्चे कहाँ आदर करेंगे? जो रामायण नहीं पढ़ेगा, रामायण नहीं पढ़ेगा, उसको यही दुर्दशा मिलेगा। आप लोग सुने होंगे कि इंडोनेशिया मुसलमान कंट्री है, वहाँ इंडोनेशिया विदेश में, हमारे भारत में एक मुरारी बाबू का नाम सुने होगा, जो राम कथा करते, भारत से बुलाते हैं उनको विदेश में, कहते हमारी, और मुसलमान लोग है, हाँ उनको यूनिवर्सिटी में रामायण पढ़ाई होती है, कहते हम आ करके हमें ये रामायण कथा सुनो। बोले क्यों? बोले रामायण में इतनी अच्छी शिक्षा है, भाई भाई में कैसे प्रेम होनी चाहिए। देखो भगवान राम के लिए भरत ने क्या किया? राज्य ग्रहण नहीं किया, उन्हें राज्य को ठुकरा दिया भाई प्रेम के लिए, पिता की सेवा के लिए। कहते ना, गुरुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए गुरु वचन न जाए। भगवान राम ने पिताजी के आज्ञा पालन करने के लिए 14 साल वनवास ले लिया। अब अपना बेटे को बोलो 14 साल, क्या 14 दिन के लिए जाए? अपना 14 दिन के लिए तो घूमने अपना मन मर्जी चले जाएगा, लेकिन तुम्हारी 14 तुम्हारी बात नहीं सुनेगा। हाँ सुनेगा बेटा, इसलिए कहते भाई भाई में कैसे होनी चाहिए, पत्नी पति पत्नी में कैसे प्रेम होनी चाहिए, बच्चे कैसे पिता माता को आदर करे, कैसे चरण छुए, और हमारी भारत के देश का स्त्रियां कैसे सती बन करके रहे। इसलिए भगवान राम माता सीता को चिरकाल के लिए उन्होंने वनवास दे दिया। क्यों? भविष्य में हमारे देश का स्त्रियां सती बन कर रहे, बहू बेटी सती बन कर, ये हमारे गुरु जी सब पता सुनाया करते। इसलिए बच्चों का स्मार्टफोन नहीं पकड़वाना, इसलिए बच्चों को बोलो बेटा
सवेरे नहा धो करके एक माला जप कर, एक माला जप कर, जब उसको इतनी गंदी चीज हम पकड़वा सकते हैं, क्या एक माला नहीं बोल सकते? देखो अभी हम दिल्ली कथा करने के लिए गया था और दिल्ली से यहाँ पर आया गाड़ी में, एक दिन शुक्रवार में मैं सवेरे एक कथा कर रहा था, शाम को एक दिन में दो दो कथा कर रहा था। मैं जब कथा करके आ रहा था शुक्रवार का दिन, देखा हमारे मुसलमान भाई लोग इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको टोपी पहना करके मेन रोड में बैठ करके नमाज पढ़ रहे थे। इतने छोटे छोटे बच्चों को टोपी पहना करके, 8-10 साल बच्चों को टोपी पहना करके, हजार हजार मुसलमान भाई आ रहे थे और मेन रोड में बैठा करके उनको नमाज पढ़ रहे थे। आप बताओ, आप कभी अपना बच्चों को बोलते हो क्या, बेटा तू गीता भी थोड़ा पढ़ो, रामायण भी कहीं बोलते हो? मैं जयपुर में कथा करने गया था, जब वापस आ रहा था एक मुसलमान का बच्चा पतंग उड़ा रहा था, 5 साल का। मैंने पूछा तेरा नाम क्या है, तो उसने नाम बताया और नाम से मेरे को पता चला ये मुसलमान है, 5 साल का बच्चा पतंग उड़ा रहा था। मैंने कहा तेरे को नमाज पढ़ना आता है? उसने बोला हाँ, बड़ा छाती फाया, नमाज पढ़ना आता है। मैंने बोला बोलो, उसने झटाझट पढ़ना, कुरान झटाझट बोलना शुरू कर दिया। मैंने कहा भैया तुम्हारी धर्म में कितने साल उम्र में ये कुरान पढ़ाया जाता है? बोले मुसलमान धर्म में कंपलसरी 2 साल उम्र में बच्चों को सिखाया जाता है, कंपलसरी उनके धर्म में, कंपलसरी उनके धर्म में। हम क्या बच्चों को कभी बोलते हैं गीता पढ़ो बेटा, कभी रामायण पढ़ो? कभी बोलते हो? कभी कोई बोलते हो? बताओ कौन बोलता है अपना बेटे को थोड़ा रामायण पढ़े, गीता पढ़े, एक माला जप कर दिया? हम कोई नहीं बोलते। बताओ बच्चों का दर्व संस्कार कहाँ से आए? आ ही नहीं सकती संस्कार, ठीक है ना? इसलिए बच्चे घर में नियम बनाओ, जैसे बच्चे नहा धो करके क्या करे, एक माला करे, एक 10 मिनट लगेगा एक माला जप करने का। जो बेटा माला जप करके जाएगा ना स्कूल में, देखना एक तो संस्कारी बनेगा और उसको बड़ा इंटेलिजेंट बनेगा, बड़ी बुद्धिमान बनेगा। क्यों? भगवान का नाम से, कहते ना मंगल भवन अमंगल हरि, ठीक है ना? कम से कम। और देखो घर का पहला गुरु कौन है पता? पहला गुरु कौन है? ये पिता माता पहला गुरु है। सबसे पहले पिता माता से ही पहला संस्कार पड़ता है और किसी से पहले संस्कार नहीं पड़ता है। अगर पिता माता अगर भजन करे तब तो बच्चे भजन करेंगे। देखो यहाँ पर एक माता जी बैठी हुई तिलक लगा कर, देखो ये, और उनका देखो दो बच्चे बैठे हुए, खड़े हो जाओ छोटा बच्चा, तुम खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। हाँ देखो कितना छोटे बच्चा है, देखो उसका हाथ में देखो माला है, तिलक लगा है, गले में तुलसी की कंठी, देखो उसकी एक बेटी है, देखो इसके एक बेटी है, देखो यहाँ भी बैठे करके माला जप कर रहे हैं। क्यों? उसकी मैया जो है ना, उसके पिताजी माताजी भजन करते हैं, गले में कंठी माला तिलक, तभी तो ये बच्चे भी, देखो इतने छोटे छोटे बच्चे, घूम जाओ उधर, घूम जाओ उधर, घूम जाओ, देखो ये छोटे बच्चे को देखो, है ना, कंठी माला। और जो लोग कथा कर रहे हैं श्री मदन मोहन लाल जी, देखो उनका बेटा भी वो वैभव बैठा हुआ, देखो ये, देखो ये बच्चा तिलक लगाया हुआ, तिलक है गले में कंठी है, हैं, तिलक है गले में कंठी है, ये सीए किया हुआ अभी लॉ कर रहा है अभी, उनकी बेटी भी फिजियोथेरेपी किया, देखो यहाँ पे बैठी हुई है राधिका, इसका नाम राधिका रखी, देखो तिलक लगाए मुझे, हैं, और तिलक लगा। कारण क्या है? पहला जो गुरु है ना पिता माता, सबसे पहला गुरु पिता माता, सबसे पहले संस्कार ये पिता माता से ही सबसे पहले संस्कार पड़ेगा। अगर पिता माता भजन करे तभी वो बच्चा भजन कर सकता है। अगर खुद हरिनाम नहीं करोगे, बच्चों को हजार बोल दो, कभी वो बच्चा करेगा नहीं। बोले क्यों? पिता माता स्वयं भगवान की भक्ति नहीं करते हैं। इसलिए आप लोग ने रामायण में देखो, रामायण में कितना सीखा है, जब सीताराम वनवास जा रहे थे, देखो चीज को ध्यान से देखो, जब सीताराम वनवास जा रहे थे, अभी लक्ष्मण उनकी माता सुमित्रा को पास में आए, बोले माँ भाभी भैया वनवास में जा रहे, मेरे को आदेश दे दो राम सीता की सेवा के लिए जाओ। इतना सुन करके सुमित्रा इतनी खुश हो गई, सुमित्रा इतने प्रसन्न हो गई। देखो सुमित्रा कहती है, पुत्रवती जुवती जगस्वई रघुपति भक्ति जासुसुतो, हिंदी समझ रहे कि नहीं? कहते पुत्रवती जुवती जगस्वई, मतलब उसी जग में उसी स्त्री जो पुत्र जन्म देती है तभी पुत्र जन्म देना सार्थक होता है। बोले कब? बोले रघुपति भक्ति जासुसुतो,
अगर तुम्हारी बेटा भगवान की भक्ति करता तो कभी उसी माँ को बच्चे जन्म देना चाहता। दूसरी लाइन में कहती है, अगर बच्चों को प्रभु की भजन में नहीं लगा पाए तो सुमित्रा कहती है माताओं को बांझ रहनी चाहिए। वो कहती है बांझ रहो, बच्चे जन्म मत दो, मना कर देती। बोले क्यों? बोले इतने कष्ट करके मैं गर्भ में धारण करूंगी बच्चों को, इतने प्रसव पीड़ा सहन करोगे, मुंह की खाना निकाल कर खिलाओगे, गिली में सो करके सूखा में सुलाओगे, है ना, बच्चों को पाप कितना कठिन है। कहता अगर बच्चे गलत रास्ता पर चले गए ना, अगर भक्ति रास्ता पर जाएंगे तो 21 पीढ़ी उधार हो जाएगी, 21 पीढ़ी उधार हो जाएगी। अगर बच्चे गलत रास्ता पर गए, शराब पिए, जुआ खेले, मांस खाए, कहते उसका पाप भी फिर भी दमा तक लेना पड़ता, जैसे पुण्य लोगे ना कहते उसका पाप भी लेना पड़ेगा। देखो ये पुराण की कथा है। बोले एक समय, ध्यान देकर सुने कथा पे, एक समय कोई एक जोगी स्वर्ग में पहुंचा। एक व्यक्ति जगत में बहुत पुण्य किया और स्वर्ग में गया है, सोने के सिंहासन में बैठा हुआ, अप्सरिया उसको चामर भजन कर रही थी, लेकिन स्वर्ग में बैठ बैठ कर रो रहा था। वो जोगी ने पूछा, भैया तुमने इतने पुण्य करके स्वर्ग में आ गया, यह रो रहे थे, तो मेरे से एक गलती हो गई। बोले क्या गलती हो गई? बोले मैंने बच्चों को सदमार्ग नहीं दिखाया, मैंने जो पैसा छोड़ करके आ गया था, अभी उसी पैसा से बच्चे शराब पी रहे, मांस खा रहे, जुआ खेल रहे, चूंकि पैसा मैंने छोड़ करके आया था और मेरे पैसा से ये गलत काम कर रहे हैं, इसलिए मेरे को स्वर्ग में उसका पाप नहीं छोड़ रहे, स्वर्ग में भी पाप नहीं छोड़ गई। इसलिए यहाँ पर शिक्षा देते हैं, बच्चों अगर गलत रास्ता पर गए, पैसा को अगर उल्टा काम पर लगाया ना, जो पैसा छोड़ करके जाके उसका पाप भी तुम्हें कमा लेना पड़ेगा, ठीक है ना। क्या करना? पहले तो स्वयं हरिनाम करो, पहले स्वयं सबके सब हरिनाम करो, फिर बच्चों को भी बोलो बेटा एक हरिनाम माला है करके जाओ, ठीक है, सबके सब नियम बनाओ घर में। जब तक एक माला बच्चा नहीं करेगा ना, बोलो खाना नहीं पीएगी, पहले एक माला जब कर। कोई बोलेगा नहीं बच्चे बात नहीं सुनते, ये बताओ बच्चे को तुमने पढ़ाई करने के लिए बाध्य करते कि नहीं? बच्चा पेपर आ गया, अच्छे तरह से पढ़ो, पेपर में बढ़िया नंबर आनी चाहिए, हैं? जब बच्चों को इतना प्रेशर दे सकते, स्कूल में जाओ पढ़ाई करो, तब क्या बच्चों को ये नहीं बोल सकते बेटा एक माला भी तुम करो, ठीक है ना। सबके सब बच्चों को बोलना एक माला करो और खुद पहले करो, ठीक है। एक बार हाथ उठा कर बोलो, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे बार जोर कर बोलो, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। और एक चीज, सवेरे उठ करके सबके सब पिता माता की चरण सुनो, ठीक है ना। कौन कौन छूते हो? सही सही बताओ, झूठ मत बोलो। सवेरे उठ कर कौन सबसे पहले पिता माता के घर में कौन चरण छूते हो? हाथ उठा, कौन छूते हो? एक माता के हाथ उठाया, दो उठाए, बहुत अच्छी बात है। हाँ, और जो नहीं छूते हो ना, जरूर उठ करके, अगर घर में सास ससुर हो सास ससुर छुआ करो, अगर घर में पिता माता हो पिता माता को भी छुआ करो। देखो एक संत कह रहे थे, जो जितने बहु है ना, अच्छे तरह सुनो, जितने बहु है अच्छे तरह सुनो, वो संत कह रहे थे सास ससुर की सेवा करने का बड़ा महत्व है। बोले क्या महत्व है? जैसे घर में तीन भाई है, देखना जो बहू अपना सास ससुर की ज्यादा सेवा करेगी ना, पिताजी को साथ में जितने सोने चांदी होगा वो क्या करेगी, वो बंटवारा होगी तीनों बेटों में, बंटवारा होगी, तो जो बहू ज्यादा सेवा करेगी वो क्या करेगी, कुछ लेकर के अलग उसको पकड़वा दे, बोले तू इसका अलग रख, तुम जो बंटवारा होगी जो तीनों बराबर होगी तीनों, क्यों वो ज्यादा सेवा करती ना सास ससुर को, वो अलग उसको अलग तो रख ले, ये लाभ तुम्हारी रहेगी, है ना, लाभ होगी। इसलिए यहाँ पर बताए सास ससुर की सेवा करने का बड़ा महत्व। और दूसरी चीज है, अपना घर में अक्सर करके ना सास बहू में लड़ाई होती है, इसलिए लड़ाई होती है, कहते जितने बहू है अपना सास को सास मत समझो, क्या समझे? माँ। क्या समझे? माँ। और जो सास है अपना बहुओं को बहू नहीं समझे, क्या समझे? बेटी। बस वो काम हो गया,
अगर अपना बेटी मान लिया तो, अरे अपना माल अगर माँ मान लिया, फिर घर में संसार में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगी। इसलिए बोले घर में अगर गीता हो, बहु जैसे सीता हो, राम जैसे बेटा हो, फिर वो घर में ही कह दो घर की आए बोले भगवान की धाम है, भगवान की गोलोक वृंदावन बन जाएगा। इसलिए यहाँ पर ध्रुव महाराज जी जब तपस्या करने के लिए गए ना, वो माँ को परिक्रमा लगाई और माँ की चरण को छुए, माँ की आशीर्वाद लेकर गए, है बोले माँ मेरे को आशीर्वाद दो, है भगवान को मैं प्राप्त करके रहूंगा और एक दिन तुम्हें राजमाता बनाऊंगा, एक दिन मैं राजा बनूंगा। उन्हें भजन के लिए गए, इतने उतावला हो गए प्रभु को पाने के लिए। एक दिन वैकुंठ में भगवान नारायण बड़े चंचल थे, माँ लक्ष्मी प्रश्न करती है प्रभु आप इतने चंचल क्यों हैं? बोले एक छोटा बच्चा 5 साल उम्र का, वो मेरे को पाने के लिए इतने उतावला हो रहा है। बोले प्रभु जाओ ना दर्शन दो। बोले लक्ष्मी अभी उसने गुरु नहीं किया है, मैं स्वयं ये बात को बताया, प्रथमंत गुरु पूज्यम ततश्चैव ममार्जनम कुर्बन सिद्धि मापनोति जनता निष्फलम भवे। कहते ये बात को मैंने स्वयं बताया। हाँ क्या बताया? बोले गुरु गोविंद दो खड़े काग लाग पाऊं, बलि हरी श्री गुरु जी जो गोविंद ये बताए। अब उसने गुरु ही नहीं किया, पहले गुरु जी की पूजा फिर मेरी पूजा। बोले आप प्रभु इच्छा करने पर हो जाता है? बोले हाँ ये तो हो जाता है। फिर उन्हें नारद जी को स्मरण किए और बोले उसको ठोक पीट करके परीक्षा करके मंत्र दो। फिर श्री नारद जी आकर के बोले भैया तेरे पिताजी तेरे को घर में ढूंढ रहे हैं, तू यहाँ आकर के 5 साल उम्र में बड़ा क्रोध करके भजने में बैठ गया, अभी रसगुल्ला घर में जाओ। पूछे आप कौन हो? बोले मैं नारद हूँ। उन्होंने बोले लगता है आप नारद नहीं, कोई डुप्लीकेट नारद है। बोले क्यों? बोले मैंने सुना है नारद जी सबको प्रभु की भजने की उपदेश देते हैं, लेकिन आप तो कह रहे हो घर में वापस जाओ। हाँ अगर आप नारद हो, मेरे को पूर्ण विश्वास हो गया प्रभु मेरे को मिलेंगे ही। बोले क्यों? बोले आप जैसे संतों की अगर दर्शन हो जाए, इसलिए विभीषण जब हनुमान जी से मुलाकात हुई, विभीषण क्या कहता है, आज मोए भा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा बिना मिले नहीं संता, जो रघुवीर मोए अनुग्रह किनी तो मोए दर्श ही दे। हैं इसलिए जब साधु का दर्शन हो गया, शास्त्र कहता है जरूर तुम्हें भगवान 100% मिलेंगे। बोले केवल मुझे आप मंत्र प्रदान करो, आप देखो मैं क्या करता हूँ, मैं क्षत्रिय का बच्चा हूँ। बोले भैया चेला तो ऐसे होनी चाहिए जिसके अंदर में हृदय में दृढ़ विश्वास हो, चेले ऐसे होनी चाहिए। फिर उन्होंने उनको मंत्र प्रदान की, ओम नमः भगवते वासुदेवाय। बोले जाओ मथुरा में चले जाओ और वहां पर यमुना में त्रिसंध्या स्नान करना, सारी पूजा की विधि बताए, भगवान की कितने सुंदर स्वरूप है, कैसे उनको त्रिसंध्या पूजा करोगे, कैसे भजन करोगे। देखो उनको दो चीज अच्छी चीज मिली। बोले दो चीज क्या मिली? एक तो मथुरा धाम मिला। बोले मथुरा क्या है? बोले एक रात्रि निवास न हरि भक्ति प्रजायते। कहते अगर एक रात कोई मथुरा में निवास करना, उसको भगवत भक्ति मिली जाती है। फिर दूसरी चीज क्या मिली? भगवान की जन्मभूमि। दूसरी चीज साक्षात यमुना में स्नान करना। बोले गंगा में नहाने पर जो दर्शन होता है ना, यमुना का केवल स्मरण करने पर वो फल मिलता है, ये यमुना नदी नहीं बल्कि ब्रह्म द्रव्य गात्रम। जब भगवान की प्रेम जब द्रवीभूत तो होकर के पानी रूप धारण करती है, ये यमुना पटराणी है। बोले श्री यमुना महारानी की। बोले ये यमुना आई कैसे? एक दिन भगवान अपना राग को सुने, राग सुना तो भगवान की पसीना निकली, मैया मोटी मोटी काजल लगा दी थी, वो पसीना काजल में मिल गया। उनको बख्य स्थल को बहाते हुए, उनकी चरण को स्पर्श करते हुए जो बहती है, ये कौन है? श्री यमुना। और यमुना के रंग कैसे काली काली? बोले क्यों? बोले उसका नाम कालिंदी है, कृष्ण चिंतन में वो काली बनी हुई। बोले यमुना नदी में स्नान करना और भजन करना। उसने पहला महीना में तो बेर फल को खा खा कर उन्होंने भजन किया 3 दिन अंतर में। हाँ जब भजन में बैठते थे 3 दिन तक ध्यान ही नहीं टूटता था। दूसरे महीना में 6 दिन अंतर अंतर में जो सूखे पत्ते को खाकर भजन किया और 6 दिन तक जो भजन करते थे ना एकदम कंटिन्यू बैठते थे, उसको बाद में 9 दिन अंतर अंतर में थोड़ा पानी पी लेते थे। फिर 14 महीना में पानी भी त्याग दिया, केवल हवा ले करके 12 दिन के बाद में एक बार केवल हवा ले ले। हम लोग कभी कभी कहते ना
गुरु जी जो मंत्र दिए ना काम नहीं कर रहे, और कोई और कोई मंत्र है गुरु जी? कहते गुरु जी आपवास में और कोई मंत्र है? बोले नहीं, जो भगवान की जो नाम है ना मंत्र है, वो भगवान को भी वो वसीभूत कर देता है। ये भगवत मंत्र, ये मंत्र कोई साधारण वस्तु नहीं, लेकिन ये मंत्र को हमें ठीक से जप करनी चाहिए। हमें मंत्र को अच्छे तरह से जप करनी चाहिए। कभी मंत्र में नहीं, कभी किसी में है, कभी हमारी अंदर में कमी, लेकिन मंत्र में कोई कमी नहीं। देखो एक समय, हाँ एक छोटी सी कथा सुनो। एक समय एक गुरु जी ने दो चेले थे, दो चेले को दो गुठली दिए। बोले देखो बच्चों, अगर ये गुठली को तुम घर को सामने बोओगे ना, बड़ा सुंदर वृक्ष होगा, बड़ी सुंदर उसमें तना निकलेगा, बड़ी सुंदर छाया दे घर को, और बड़ी सुंदर सुंदर आम होगा, इसको खा भी सकते हो और उसको तो बिजनेस में भी लगा सकते हो। गुरु जी ने बच्चा करके दो चेले को तो गुठली दे दिया। एक चेले ने गुठली को लेकर घर को सामने गड्ढे करके गाड़ दिया और घड़ी देखकर बैठ गया उसके ऊपर में, हैं उसके ऊपर में मिट्टी ढक दिया, पानी दे दिया। देखा दो घंटा हो गया, फिर खोदा, बोले ये तो कुछ नहीं। फिर ढक करके फिर चार घंटा बैठा, उसके बाद में फिर निकला तो बोले कुछ भी नहीं। फिर उसके बाद में फिर ढक दिया, पानी दिया, रात भर आठ घंटा बैठा, सवेरे जब निकाला कुछ नहीं। बोले गुरु जी धोखे दिए। बोले पहले अंकुर निकलेगा तो पत्ता आएगी, फिर तना, फिर उसमें सुंदर टहनिया आएगी, छाया देगी। वो गुठली लेकर लाए और गुरु जी को ऊपर देव मार। बोले गुरुदेव आपने मेरे साथ में धोखेबाजी किया, हाँ कुछ नहीं हुआ, लेकिन दूसरे चेले को दिया। दूसरे चेले गुरु जी की वाक्यों को पर विश्वास करते हुए उन्होंने गड्ढा खोद करके पानी दिया, मिट्टी गाड़ दी। सचमुच से 10 दिन बाद में देखा ना, उसमें एक अंकुर आया, फट कर गया अंकुर आया। अभी गुरु जी को बड़ा विश्वास हो गया, गुरु जी सही बताए। फिर जब एक महीना आया ना, देखा उसमें दो पत्ते आए और थोड़ी सी उसमें टहनिया आई। अभी गुरु जी को पर और ज्यादा विश्वास हो गया, गुरु जी सही बताया। फिर जब देखा 6 महीना हो गया, देखा सचमुच से बड़े सुंदर वृक्ष हुआ। अब गुरु जी ऊपर और भी ज्यादा विश्वास हुआ। जब 1 साल हो गया ना, सचमुच से वृक्ष बड़ा हो गया, तो 2 साल हुआ उसको घर के ऊपर छाया हो गया, बड़े सुंदर छाया। और जो 3 साल हुआ, देखा सचमुच से सुंदर सुंदर उसमें फल आया है। और जो पहला जो फल पका है ना, वो फल को लेकर उसने श्री गुरु जी के पास में गए। बोले गुरु जी आपने जो बात बताया था ना, एकदम सही बताया था, ये पहला फल आप लेकर ठाकुर को भोग भी लगाओ। फिर घर को पर छाया भी दिया, वो फल को उसने अपना बिजनेस में भी लगाया और उसमें माला ही माल हो गया। हाँ इसलिए, लेकिन गुरुदेव ने जो हमें मंत्र प्रदान किया है ना, हमें दृढ़ विश्वास पूर्वक वो मंत्र को, हमें दृढ़ विश्वास पूर्वक मंत्र को जप करनी चाहिए। हैं हमारे हृदय में अनर्थ कितना सालों से, करोड़ों सालों से हृदय में हमारी काम क्रोध बैठा हुआ है। अगर हम सोचेंगे हैं, वो किरायेदार 1000 साल से किरायेदार घर में बैठा हुआ, अगर किरायेदार को अगर 2 दिन में तुम निकाल देना चाहोगे, निकलेगा सच में? उस कोर्ट में जाओ, केस करो, कोर्ट में भागते रहो, मामला मुकदमा करो, फिर कठिनी से जाकर कहीं निकलने वाले हृदय से। इसलिए कहते गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते ते करिया आर ना करिया मैंने आज। गुरु जी ने जो मंत्र दिया उसको दृढ़ विश्वास पूर्वक हमें जब करना पड़ेगा, तभी तो वो मंत्र फलभूत हो ना, तब मंत्र फलभूत कैसे होगा, ठीक है ना? इसलिए ध्रुव जब तपस्या में बैठते थे 12 दिन तक, पूरा बिना खाए पिए एक जगह में बैठ करके ओम नमः भगवते वासुदेवाय, जब उन्होंने ऐसे भजन की, उन्होंने 6वां महीना में उन्होंने अपना प्राण बाई को रोक लिया, बाई को रोक दिया तो सारा दुनिया का हवा ही बंद हो गया। जैसे किसी नाव को ऊपर में हाथी जैसे प्यार रखे, वो जैसे डगमगाता है, ये पृथ्वी श्री ध्रुव महाराज की भोजन को सह नहीं सका, वो डगमगा लग गया, हवा बंद हो गई, सारे देवता त्राही त्राही मच गया। देवताओं ने भगवान को पास में गए, बोले प्रभु ध्रुव इतने कठोर तपस्या कर रहा है, जिसका हवा बंद हो गया, प्रभु रक्षा करो। भगवान बोले कोई चिंता मत कर, मैं जा रहा। भगवान जब आए, एक झलक हृदय में दर्शन दे करके फिर भगवान अंतर ध्यान हो गए। फिर उसने छटपटाने लगा, जब उन्होंने आंख खोला ना, सामने देखा भगवान खड़े हैं।
बोलो श्री भक्तवत्सल भगवान की जय जय श्री राधे। अभी ध्रुव महाराज भगवान को स्तुति करना चाहते हैं लेकिन तो स्कूल गए नहीं। भगवान दिव्य संख ज्ञान स्वरूप उनको कपल में स्पर्श कराएगा तो हृदय में दिव्य ज्ञान प्रकट हुआ। फिर तो धराधर श्लोक बोलना शुरू कर दिया। भगवान ने बोले बेटा वर मांगो, हमसे वर मांगो। बोले प्रभु इसकी चक्कर में मेरे को मत डालो। बोले कुछ मेरे सुख के लिए कुछ तो मांगो। बोले प्रभु देना चाहते हो आपका भक्तों का संगत हो। बोले जब मैं स्वयं मिल गया फिर भक्त संग क्यों चाहते हो। बोले प्रभु आप तो आपकी कथा नहीं सुनाओगे ना, आपका भक्त आपकी कथा सुनाएंगे। आपकी भक्तों की मुखार बिंद से कृष्ण कथा रूपी मंदाकिनी की जो नदी बहती है अगर उसमें मैं गोता लगाते रहूंगा ना, मन तो अपने आप आपके चरण में लगा रहेगा प्रभु। इसलिए आपकी भक्तों का संग प्रदान करो। भगवान बोले हो जाएगा, कोई चिंता मत करो, लेकिन और कुछ मांगो। बोले नहीं और कुछ नहीं चाहिए। भगवान बोले ठीक है, मैं अपना तरफ से देता हूँ। जाओ ये संपूर्ण पृथ्वी में दिव्य 36,000 साल तक राजत्व करो। जैसे मेरा एक वैकुंठ है तेरे लिए भी एक अलग वैकुंठ बनाऊंगा। जब तक ये दुनिया रहेगा तब तक तेरे को स्मरण करते रहेंगे। ध्रुव लोक नाम से तुम्हारी प्रख्यात होएगा। अभी उन्होंने वरदान लेकर चले गए। जब श्री ध्रुव महाराज आए वो सुखी होकर के नहीं रो रो करके आए। बोले क्यों, भगवान पूरा राजत्व दे दिए फिर उनको वैकुंठ लोग दे दिया, रो रहे क्यों? बोले इसीलिए रो रहे थे, खैर भगवान मेरे को ये माया के संसार में फंसा दिया। कहां भगवत दर्शन में भक्ति मिलती, फिर संसार में फंसा दिया हमें। लेकिन ध्रुव महाराज जब आए उनको पिताजी उनको राज सिंहासन में बैठाए, भजन करने के लिए चले गए। जब उनको 36,000 साल समाप्त हो गई इतने में वैकुंठ से रथ आया। जब रथ में ये बैठने के लिए जा रहे थे इतने में स्वयं काल आ गया। बोले आप कौन हो? बोले स्वयं काल हो, मेरे को स्पर्श किए बगैर तू जा ही नहीं सकते। बोले बैठ जाओ। उनने सशरीर में ध्रुव महाराज इसी शरीर को लेकर के काल का सर के ऊपर में प्यार रख दिया, सीढ़ी बनाकर उन्होंने रथ में जो बैठने जा रहे थे। बोले मेरी भैया कहाँ है? देखो अगर बच्चे को भजन में लगाओ तो कितना लाभ है, कितना लाभ है। बोले मेरी मैया कहाँ है? बोले मैया को क्यों ढूंढ रहे हो? बोले आज मेरे को जो आप मिले हो ना ये मैया के आशीर्वाद से। मैया मेरे को ये बात बताई थी, भगवान की भजन करो, भगवान की भक्ति से भजन से है भजन से ही ऐसे पद तुमको मिलेगा जो पद तुम्हारी भजन में कोई भी प्राप्त नहीं किए हुए वो पद तुम्हें प्राप्ति होगी। मैया के आशीर्वाद से आज आप मेरे को मिले हो। मैया अगर ये रास्ता नहीं दिखाती तो आप मेरे को प्राप्त नहीं होते। इसलिए कि यहाँ हर माताओं को शिक्षा देती है बच्चों को कौन सा मार्ग दिखाओ? भगवान की भक्ति का मार्ग दिखाओ, भगवान की भजन का मार्ग दिखाओगे ना। जब वैकुंठ बेटा जाएगा ना, बेटा पहले नहीं जाएगा, कौन जाएगा? पहले माँ जाएगी, पहले माँ जाएगी, उसको बाद में बेटा जाएगा, बाद में बेटा जाएगा, पहले माँ जाएगी। फिर उन्होंने अपना माँ को लेकर उन्होंने वैकुंठ में विजय की। लेकिन जब वैकुंठ विजय कर रहे थे श्री नारद जी इतने प्रसन्न हो रहे थे बिना बजा बजा करके। नारद जी नाच नाच करके भगवत कीर्तन कर रहे थे। बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय 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 राधारमण हरि गोविंद जय जय राधारमण हरि गोविंद जय बोल गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय 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 ज
मांस मछली खाने वाले जब एक महीना बाद में आते हैं ना, बोले भैया एक महीना समझ मांस मछली नहीं खाए, आज बढ़िया करके ले आ, बढ़िया बना कर खाएंगे है। इसका ये कैसे हो गया, जैसे कि हाथी को हाँ जैसे अच्छे तरह से तालाब में स्नान कराओ, देखना वो हाथी जो पानी से उठता है ना, निकलता है पहले सारी धूल को लेकर सारी फर्म में करीब उड़ाता है। कभी ये तो ऐसे हो गया, कुछ दुखी दरिद्र को दान दे दिया, फिर उसी घी में फिर पैर चर्बी मिलाना शुरू कर दिया, फिर कक्कड़ मिलाना मिलाना शुरू कर दिया किसी में डाल में, बोले ये कहाँ पवित्र हुई, तो पवित्र हुई नहीं, ये पवित्र तो हुई नहीं है। बोले ऐसे कोई विधाने की बात बताओ जो हृदय से पाप करने की वृत्ति खत्म हो जाए, ऐसे कोई उपाय है? बोले हाँ ऐसे एक उपाय है, बोले भगवान के नाम से, ठाकुर जी की नाम से, केवल जैसे सूर्य उदय होने पर ये अंधकार अपने आप दूर हो जाता है। जो व्यक्ति भगवान के नाम ग्रहण करते हैं उनके हृदय से पाप करने का सारे वासना खत्म हो जाती है। तब एक उन्होंने कथा सुना, बोले एक कान्यकुब्ज देश में एक अजामली नाम का एक व्यक्ति था, ब्राह्मण घर में जन्म हुआ, सारे सद्गुण उसको अंदर में, लेकिन एक दिन उसने यज्ञ के लिए जंगल में गया कुछ लकड़ी और कुछ फल मूल लाने के लिए। उसने देखा एक शूद्र शूद्रानी शराब पी करके विवस्त्र होकर के मिल रहे, उसने देखने लग गया तो देखते रह गया, उसके हृदय में फटो खींच गई। जब वो वापस आया ना, देखो ये असत संस्कार कितने गड़बड़ी करता है, ये गंदी संस्कृति की चीज कैसे गड़बड़ी करता है। ब्राह्मण घर में जन्म हुआ, सारे सद्गुण संपन्न, लेकिन उसने एक बार केवल गंदी चीज को देख लिया, उसने अपना पत्नी को त्याग दिया, वो बेस्या को साथ में रहना शुरू कर दिया, उसको हाथों में अमेध्य कुमेध करना शुरू कर दिए। हाँ इसलिए अब देखना ये जगत में जितने उल्टा पुल्टा चीज हो है ना, पहले जो सिनेमा आती थी सारे भगवत संबंधित पिक्चर है, कोई उल्टा पुल्टा चीज नहीं आती थी, रामायण कृष्ण लीला। लेकिन अगर आप कोई रामायण कृष्ण लीला चलाना नहीं चलेगा, जितने उल्टा पुल्टा पिक्चर आएगा ना, जो बोलेगा ये प्राप्त वयस के लिए, सारे अप्राप्त वयस वाले दूर पहुंचेंगे। खैर ये इंटरनेट मोबाइल सब हो गया, जो इच्छा फॉलो करके देख लो, सबका हृदय इतने खराब क्यों हो रही है, इतने डाइवर्स फाइबर्स क्यों हो, इस कारण क्या है? कारण यही है कि सब गंदी चीज, सब उल्टा पुल्टा चीजें आ गई, आने पर हृदय को हमारे कलुषित कर दिए। अगर ये अजामली जैसे अच्छे संस्कारी व्यक्ति एक बार गंदी चीज देखने पर इसका हृदय अगर गड़बड़ी हो सकती, अगर हम देख कर कहाँ हृदय को हम स्थिर कर पाएंगे। अभी उनसे 10 बेटे हुए, सबसे छोटा बेटे का नाम उसने कैसे नारायण रख लिया। अब सबसे छोटा बेटा सबसे प्यारा होता है, अभी बात बात में बेटा नारायण मेरे लिए पानी ले आ, नारायण तू कहाँ हो, बेटा नारायण मेरे गोद में आओ, जैसे माला जप करते हैं ना, उसका ये हो गया माला जप। जो हम कर्म करते हैं काय मन और वाक्य से करते हैं, इसलिए मरते समय 3 जमदूत उसको लेने के लिए आए, उनकी भयंकर रूप को देख करके उसने देखा बेटे को दूर में खेलते हुए, उसने जोर से पुकारा बेटा नारायण, ये कितने अक्षर है, ना रा या ना, ये 4 अक्षर है। जब उसने ये 4 अक्षर उच्चारण की, एक तरफ से 4 वैकुंठ से विष्णु दूत आ गए और दूसरे तरफ से 3 जंतुर, अभी दोनों में लड़ाई हो रही है। देखो ध्यान देख रहे सुनो, अगर बेटा का नाम अगर भगवान संबंधी नाम रख दिया तो कितने कल्याण है उसको देखो। अभी जमदूत कहते हैं ले जाएंगे, विष्णुदूत कहते हैं हम ले जाएंगे, दोनों में टकराव हो रही है। अभी विष्णुदूत प्रश्न किए, बताओ तुम कैसे ले जाओगे, आपको पता नहीं इसने ब्राह्मण घर में जन्म लिया, अपना ब्राह्मणी को त्याग दिया, एक शूद्राणी को साथ में रहा, अमेध्य कुमेध खाया, 10 बच्चे हुए, उनको लालन पालन करने के लिए चोरी गुंडा गिरती सब तरह का पाप कर्म किया। बोले भैया सीधा नरक ही जाएगा, सीधा नरक जाएगा। विष्णु दूत ने कहा भैया कुछ तो पुण्य भी तो किया। बोले क्या पुण्य? बोले भगवान का नाम लिया, अरे भगवान का नारायण नाम लिया ना। बोले वाह, जिंदगी भर पाप करो और मरने से पहले एक बार नाम ले लो, क्या हो गया? हो गया उससे। तब विष्णु दूत कहते हैं, बोले मूर्खों तुम्हें पता है भगवान का नाम में कितने शक्ति, इसलिए कहते ना हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा
भगवान का नाम भगवान से भी बढ़कर के भगवान का नाम, वो कहते जैसे भूसा की कोई ढेर हो, नहीं तो रुई का कोई ढेर हो। अब देखना आग की एक चिंगारी लगे ना सब जला कर राख कर देता है। और भगवान नाम तो भगवान से बढ़कर के भगवान का नाम नहीं। देखो खैर वो तर्क दे रहे हैं, बोले उन्होंने भगवान को क्यों पुकारा, वो किसको पुकारा था, किसको पुकारा था, उसने बेटे को पुकारा था ना, बोले उन्होंने भगवान को कब पुकारा तो अपने बेटे को पुकारा था। देखो विष्णु तो क्या कहते हैं, बोले जब उसने अपना बेटा का नाम नारायण रख लिया था वो सारे पाप उसको खत्म हो गए थे। उसको बाद में जो बेटे को बारम्बार उसने पुकारा, जैसे हम लोग माला करते हैं ना इसमें हरे कृष्ण नाम जप करते हैं, उसका ये हो गया नाम जप करना हो गया। और जो अंतिम समय में जो उसने भगवान का नाम को लिया, इसलिए कहता ना जन्म जन्म मुनि जतन कराई अंत राम कहीं आवतना है। देखो इसमें दो अर्थ बताया, बोले जन्म जन्म जतन करने पर भी अंतिम समय में भगवान का नाम नहीं आता है, ये एक अर्थ है। दूसरा अर्थ है अगर इसको भजन की बात बताओ, बोले अभी से भजन करने का क्या जरूरत है, क्योंकि उम्र जा रहा है, हम तो रिटायर्ड लाइफ में भजन करेंगे, अभी से क्या भजन करेंगे, रिटायर्ड लाइफ में भजन करेंगे। कोई भी कहते हैं नहीं, रिटायर्ड सरकार क्यों उसको रिटायर करता है, जब देखता है और किसी काम का नहीं रह गया, 6-8 घंटा बैठ कर काम नहीं कर सकता, बोले भैया जो होना हो गया घर में जाओ, तेरा जो होना हो गया अब तेरे से कुछ होने वाले नहीं, इसलिए तुम घर में चले जाओ। फूल जब खिला हुआ हो ना ठाकुर की चरण में वो चढ़ सकता है, मुरझाने पर नहीं। कागज जब कोरे कागज हो वो कोरे कागज के ऊपर कुछ लिख सकते हो, लिखा हुआ कागज के ऊपर नहीं। बांस जब कच्चा हो ना जिधर से टेढ़ा टेढ़ा कर सकते हो, वो पक जाएगा तो टूट जाएगा लेकिन वो टेढ़ा नहीं होगा है। मिट्टी जब कच्चा हो ना वो कच्चा मिट्टी से हम कुछ बना सकते हैं, लेकिन मिट्टी जब पक जाए ना वो पका हुआ मिट्टी से कोई चीज नहीं बनती है। इसलिए कहते जन्म जन्म मुनि जतन कराई। देखो एक बेटा जैसे सीए पढ़ता है, जैसे इंजीनियर की पढ़ता है, लेकिन लास्ट में जो एग्जाम होता है कितना दिन का एग्जाम होता है, 2-1 दिन का एग्जाम में अगर पास कर गया ना बस नौकरी मिल जाती है। जो लोग तबला सिखाते हैं सीखते हैं, केवल 5 मिनट उनको, केवल 5 मिनट उनको एग्जाम में 5 मिनट लगता है, लेकिन प्रैक्टिस कितना दिन तक, 5-10 साल तक प्रैक्टिस किया है। और एक बेटा सीए करने के लिए कितना साल लगता है, 25 साल लगता है, लेकिन एग्जाम कितना समय है, 1-2 घंटा में अगर पास हो गया ना बस काम लग गया उसका, नौकरी मिल गई। ठीक उसी तरह जो भक्ति है ना, जिंदगी भर जो कुछ करेंगे, जो रिकॉर्ड में जो कुछ भरा हुआ होगा ना, अंतिम समय में वही चीज निकलेगी। अगर रिकॉर्ड में अगर सारे कचड़े को भर देंगे तो अंतिम समय में प्रभु का नाम कैसे आएगा। इसलिए प्रहलाद महाराज कह रहे हैं भक्ति बचपन से भक्ति करनी चाहिए, 5 साल उम्र से भगवान की भक्ति 5 साल उम्र से करनी चाहिए। इसलिए श्री विष्णु दूत कहते हैं अंतिम समय में उसने जो भगवान के नाम लिया है इससे उसको कल्याण हो गया। इसलिए भगवान का नाम बोले 4 तरह का कल्याण करता है। पहला नंबर है सांकेत्यम। सांकेत्यम का मतलब होता है इस तरह करके, जैसे किसका नाम कृष्ण है, राम है, गोविंद, अगर उसको बारंबार उसको बुलाते हो उसको संकेत कहते हैं। इसलिए आप देखो जितने बड़े बूढ़ियों का नाम पूछो, जितने बड़े बूढ़ों का नाम पूछो, जैसे मदन लाल क्या नाम था, तुम्हारा नाम कमला लक्ष्मी है, पति का नाम क्या था, गिरधारी लाल, और मदन लाल किसका नाम था, पिताजी का नाम। इसलिए देखो पहले जितने नाम देखोगे ना, सब नाम देखोगे सब भगवान के नाम है, जितने माताओं का नाम गीता सीता सावित्री, लेकिन अभी बच्चों का नाम पूछो, टिंकी टुल्लू भूतू पिंकी, जितने विदेश से जो कुत्ते है ना सब कुत्तों का नाम को बच्चे कहते, ये तो सब पुराना कृष्ण गोविंद नाम तो सब पुराना नाम था, अभी तो हम बच्चों को अंग्रेज सिखा रहे हैं। देखो ये पास में इस्कॉन मंदिर है, आपको इस्कॉन मंदिर में जाना, आप बच्चों को नाम पूछना, छोटे छोटे बच्चों को नाम पूछना, क्या नाम रखे, कृष्ण गोविंद दामोदर ऋषिकेश, उल्टा पुल्टा नाम नहीं रखे सब बच्चों का नाम, वो कहाँ अंग्रेजी होकर के हमारी भारतीय संस्कृति को ग्रहण कर रहे, और हम लोग भारतीय होकर के सारे अंग्रेजी का खान पान रहन सहन, तो यहाँ पर भी अंग्रेजी दो कुछ बैठे हुए। देखो ये लड़की इनका नाम, एक का नाम इंदुलेखा है, हरिजन ने देखो माता जी का नाम पूछो, सब भगवान के नाम है।
यहाँ पर जो लड़के हैं सुंदर गोपाल खड़े चढ़ने, राधा रमन सुंदर गोपाल, देखो ये सब अंग्रेजी लोग अपना अपना नाम संस्कृत को छोड़ करके वो सारे हमारी संस्कृति को ग्रहण कर रहे हैं, इसलिए हमें अंग्रेजी संस्कृति को ग्रहण नहीं करना है। देखो रसिया में वो जो लड़की बैठी ना, देखो रसिया में वहाँ के लड़कियाँ वो सरकार से लड़ाई कर रहे हैं, जाने तो किस चीज को लेकर के। रसिया में लड़कियाँ कहते हैं हम साड़ी पहन करके क्यों कॉलेज नहीं जाए, रसिया में लड़कियाँ सरकार से लड़ाई कर रहे हैं हम कलेज साड़ी पहन करके क्यों नहीं जाए, हमारे भारत में लड़कियां बोले जीन्स पहन करके क्यों नहीं जाए। रसिया लड़की ने वो खुद बताए लड़ाई कर रहे इस प्रकार से, हम साड़ी पहन करके हम सबके सब जाएंगे, हम कलेज में साड़ी पहन कर जाएंगे। अभी वो हमारी संस्कृति की महत्व को समझ रहे हैं, अरे हम क्या कर रहे हैं, उनकी जो रहन सहन खान पान अगर ऐसे ठाड़वाड़ में चले ना, बोले क्या हम करेंगे। इसलिए हमारे जो इस्कॉन का जो स्थापन करता है ना, जब ये गए थे प्रचार करने के लिए अमेरिका, उनका पहला लेक्चर था क्या जानते हो, लेक्चर था हमने सुना अमेरिका तो बड़े पैसा वाला है, बड़ा समृद्धशाली है, लेकिन न्यूज पेपर पढ़े तो सबसे ज्यादा सुइसाइड करके मरने वाले अमेरिका के लोग, बोले इतने डिप्रेशन में आते हैं जो पहले सुइसाइड कौन करता है, जब जीवन में संपूर्ण होपलेस हो जाए है यही पर। इसलिए हमारी जो संस्कृति है ना सर्वश्रेष्ठ संस्कृति है, आप इस्कॉन मंदिर में जाओ देखो पृथ्वी के सारे लोग गले में कंठी तिलक माला सबके सब लगा कर बैठे, वो ऐसे नहीं लगा लेते हम तो भारत लोग, हमारे अंदर में संस्कार है, जब तक वो चीज को रिसर्च नहीं कर लेते ना तब तक वो कोई चीज को साइंटिफिकल रूप में जब कोई चीज को नहीं देखते हैं वो ऐसे नहीं लगाते, छोटी गला में कंठी माला, हम तो इतने पतले पतले माला पहने उनको जाकर देखो इतने मोटे मोटे तुलसी की माला गले में धारण करते, ठीक है ना। इसलिए हमारे अपना संस्कृति हमें ग्रहण करनी चाहिए। एक बार हाथ उठा कर बोलो, बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। एक बार जोर करके बोलो, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए अभी जमदूतों को विष्णुदूत ने परास्त कर दिया और उनको मार मार कर भगा दिया। अभी जमदूत जा करके उनका जो अस्त्र शस्त्र था जम महाराज का चरण में फेंक दिया, बोले आज से आपका कोई नौकरी नहीं करेंगे, बोले मतलब बोले हम तो पहले सोचते थे दुनिया का करता हरता आप ही हो, आज से पता चला आपका बात कोई नहीं मानते हैं। बोले भैया बात तो क्या बताओ, बोले क्या बात बताए, एक बहुत बड़ा पापी था और उसको लेने के लिए गए तो पता नहीं कहां से चार हाथ वाला आ गई और बड़ी सुंदर देखने में थे और हमको बुरी तरह से परास्त किया अपमान किया, ये अपमान को हम सहन नहीं कर सकते हैं, हम तो प्राण त्याग देंगे नहीं तो हमारे सामने दंड दो उनको। बोले ये बताओ वो मरते समय कुछ बोला था, बोले हाँ एक बार उसने नारायण नाम लिया था, वो नारायण नाम सुनते ही तो जब महाराज बेहोश हो गए, भले मेरे प्रभु का नाम लिया था, बोले आपका भी कोई प्रभु है, हम तो सोच रहे थे जगत का मालिक आप ही हो, बोले मूर्ख हूँ मैं तो सेवक हूँ, मेरे प्रभु तो नारायण है, हमने कृपा करके हमें उन्होंने पोस्ट में ये नौकरी दिया है, बोले ये नौकरी हमें दिया, बोले देखो जो भगवान की भक्ति करते ना भजन करते हैं खबरदार हमारे पास में उसको मत लाना। तो उन्होंने पूछे, मेरा ध्यान देख लो सुनो, उन्होंने पूछे आप बताओ आप कह रहे जो भक्ति करते हैं हमारा पास में मत लाओ, बोले हाँ, बोले पता कैसे चलेगा कौन भक्ति करता है नहीं करता है। तो उन्होंने तीन लक्षण बताए, जब ये श्लोक है बोले ललाटी तिलकम नास्ती कंठ नास्ती त्रिकंठिका हृदय नास्ती गोविंद सनर ब्रह्म राक्षसो। जैसे एक सुहागिनी स्त्री, हमें कैसे पता चलता है ये सुहागिनी है, सिंदूर लगाती है, मांग भरती है, बेसर पहनती, मंगल सूत्र कुछ चिन्ह है जिससे पता चलता है ये सधवा है। भगवान कहते उसी तरह जब महाराज कह रहे उसी तरह जो भक्ति करते हैं उनकी शरीर में भी कुछ चिन्ह होता है, बोले कौन सा चिन्ह, बोले गले में जरूर वो तुलसी कंठी होगा, गले में जरूर तुलसी की माला उनको धारण करते हुए देखो। अब देखना कोई अगर गले में कंठी पहने ना हमको क्या लगता है, भैया ठाकुर जी की शरण लिया है, वो व्यक्ति ठाकुर जी की शरण लिए हुए है।
इसलिए गले में तुलसी की कड्डी रहेगी। एक संत कह रहे थे जैसे अब अमेरिका जाओगे नहीं तो रसिया जाओगे, आपके पास में तीन चीज जरूरत है, बताओ तो कौन सा तीन चीज होनी चाहिए? फिर अमेरिका में रसिया जा सकते हो, कोई विदेश जा सकते हो, बताओ तीन चीज क्या होनी चाहिए? पासपोर्ट, दूसरी चीज वीजा, तीसरी चीज ठीक है। अगर इसी दुनिया में देखना, अगर तुम अमेरिका फ्रांस कहीं जाना चाहते हो ना, तुम्हारे पास में तीन चीज होनी चाहिए, तभी इसी दुनिया में जा सकते हो। अगर बोलोगे वैकुंठ अगर जाना चाहते हो, हमारे पास में भी तीन चीजें होनी चाहिए। पहला चीज क्या होनी चाहिए? पासपोर्ट, पहले पासपोर्ट है। कहते ये पासपोर्ट क्या? बोले गले में तुम्हारी तुलसी की पेंटी माला होनी चाहिए। देखो जब हमारी जो इसकोन जो स्थापना किया ना, जब उन्होंने अमेरिका गए थे तो उनको समझाया गले में कंठी पहनो, बोले लकड़ी क्यों पहनेंगे? हमारे घर में क्या सोने चांदी की कमी है? हम ये लकड़ी पहनेंगे, हम लकड़ी पहना रहे हो। तो उन्होंने हमारे वेद उपनिषद से सारे स्वस्थ श्लोक को उठा उठा कर बताया, बोले लकड़ी नहीं है, इसमें बहुत सारे मेडिसिन। तब अमेरिका में साइंटिस्ट ने रिसर्च किया, बोले भैया ये हिंदू लोग की तो पेड़ है ना, ये हिंदू लोग ये पेड़ को पूजा करते हैं, आरती उतारते हैं, आप देखना ये पेड़ को परिक्रमा परिक्रमा करते हैं ना आप सबके साथ। बोले भैया ये लोग एक पेड़ को पूजा करते, रिसर्च करके देखा पृथ्वी में सबसे ज्यादा कहीं अगर मेडिसिन है तो वृक्ष। इसलिए आप आज जाकर के कुछ मेडिसिन शॉप से दवा ढूंढना, उसका नाम है तुलसी पावर, कुछ ना मेडिसिन शॉप है उसमें देखना, इतना बड़ा सीसी होगा, इतना बड़ा पेपर होगा, उसको पढ़ करके देखना। कहते तो रोजाना जो दो तुलसी पत्ता खाएगा कभी जिंदगी में कैंसर टीबी कभी जिंदगी में तुम्हारी नहीं होगा, उसमें इतनी बीमारी की प्रतिशोध हो। आप पेपर को पढ़ करके देखना और फिर कल बताना क्या लिखा हुआ, बोले 200 बीमारी का नाम लिखा हुआ हो, ऐसे शरीर का कोई बीमारी है नहीं जो ये तुलसी वृक्ष से सही नहीं होता है। मैं अपना आंखों से देखा है कि माता जी कैंसर हो गया था, डॉक्टर ने जवाब दे दिया, उसने किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास में गया, उसने कहा ये तुलसी पत्ता का जूस पिया करो, उसी से उसका कैंसर सही हो, मैं स्वयं देखा। जब सारा दुनिया फेल हो जाता है ना, ये वृक्ष तभी काम करता है। इसलिए गले में तुलसी कैठी मतलब क्या हो गया? सारे मेडिसिन तुम्हारी, जब स्नान करोगे इसका पानी सारा शरीर में जाएगी, सारी बीमारी को निकाल देती है। और आप तो हिंदू है, देखना ये तुलसी को साथ में नारायण की शादी होती है कि नहीं? शालग्राम के साथ, बोल क्यों? ये लक्ष्मी है। गले में कंठी मतलब कौन आ गई बताओ? कौन आ गई? माँ लक्ष्मी आ गई। हम कहते ना वृंदावन चलो बांके बिहारी, बोले क्यों? बोले वृंदावन, वृंदा मतलब तुलसी, बन मतलब बन, जहाँ तुलसी की बन वहीं पर ठाकुर जी, ये तुलसी में ठाकुर जी कृष्ण का निवास है। गले में कौन कौन आ गए? स्वयं लक्ष्मी और नारायण की, दोनों की निवास तुम्हारी गली में हो गई। गले में कंठी, बोले श्री तुलसी महारानी की, ये दो चीजें हो गई। देखो इसमें क्या साइंस है, अभी हम इसको गले में क्यों धारण करते, देखो क्या साइंस, ये चीज को समझो। कहते शरीर का सबसे जो कोमल अंग है ना, ये कंठ है। किसी व्यक्ति को मारना हो, ज्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं, गला दबा तो खत्म हो जाएगा है। इसलिए शरीर में जब कोई गंदी चीज प्रवेश करता है, वो इधर से प्रवेश करता है। बच्चों को ताबीज कहाँ पहनाते हो? कहाँ पहनाते ताबीज को? गले में पहनाते। बताओ ये तुलसी में कौन कौन आ गए? लक्ष्मी नारायण सारे मेडिसिन। अगर ये तुम्हारी गले में होना, कोई भी गंदी चीज तुम्हारे शरीर में प्रवेश नहीं करेगा, ये कवच जैसे तुमको ये रक्षा करेगा गले में, ये कंठी पहन दो। लास्ट जो चीज बताए, जब महाराज बोले जो भक्ति नहीं करता है, बोले प्रमाण कैसे पता चलेगा? अभी देखो दो तरह के कुत्ते हैं, एक पालतू कुत्ता और एक फालतू कुत्ते। देखना जो पालतू कुत्ते हैं उनकी गला में पट्टा बंधा हुआ रहता है, देखने से पता चलता है घर के कुत्ता। और जो फालतू कुत्ते कहते बिन्ने पट्टे के जो रोड रोड में घूमते हैं, देखना पालतू को तो कोई मारता नहीं और फालतू को कोई छोड़ता नहीं। इसलिए अगर हमारी गले में तुलसी कंठी तो हमको क्या हो गया बताओ? बताओ हम कौन हुए? भगवान की पालतू हो गए। इसलिए हमें फालतू नहीं होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? हमें ठाकुर जी की पालतू होनी चाहिए, ठीक है ना? अब देखना भगवान को जो कुछ भोग लगाते हो, जितने जो कुछ भोग लगाना लगा दो, लेकिन जब तक आप तुलसी पत्ता नहीं देते है ना, देखो ठाकुर जी कोई चीज को ग्रहण नहीं करते हैं। कि तो उसी तरह की जो शरीर है, ये टाटी पेशाब खून पी कर कुछ है ही नहीं, इसका पेट फाड़ लगे तो भाग जाएगी यहाँ से, वो ऊपर में के चमड़ा ढका हुआ ना, इतना प्यारी लग रही है। इसलिए बोले ये अधम शरीर, लेकिन गले में कंडी पहन लो तो किसका हो गए? भगवान का हो गए, ठीक है ना?
पहला नंबर क्या गले में तुलसी की कंठी, कभी ये हो गया तुम्हारी पासपोर्ट, भीजा किया बड़ी तिलक, ये तिलक को भीजा बताया। जैसे आप लोग हिंदू है देखना, जैसे कोई अच्छे बिजनेस के लिए कोई जा रहे क्या करते, तिलक लगाकर बेचते, तिलक लगाकर बेचते कि नहीं तुम्हारी काम तुम्हारी बन जाए। जैसे ब्राह्मण पूजा करवाना आएगा, पहले सबसे पहले तिलक लगा करके पूजा करेगा, नहीं तो पूजा नहीं करवाता है। इसलिए और हम जो तिलक लगाते हैं ना, ये गोपियों की चरण धूल द्वारका से आता है, जहां तहां ये मिट्टी नहीं मिलती है, पवित्र भूमि की है। यहीं से श्री नारद जी सर पर रख करके ले गए जो द्वारका में, द्वारका कौन कौन गए, द्वारका कौन कौन गए, आप लोग देखे होंगे वहां पर गोपी तालाब है जहां से ये मिट्टी आती, जहां भगवान कृष्ण स्नान किया था है। इसलिए ये तिलक की बड़ी महत्व है, भगवान कृष्ण को देखो तिलक है, देखो कृष्ण तिलक लगे, फिर नारायण को देखो तिलक लगाए हुए है, अब भगवान राम को देखो तिलक, हनुमान जी को, बगैर तिलक के भगवान भी नहीं है, ठाकुर भी स्वयं। जैसे हम लोग मांग भरती हो, सिंदूर लगाती हो, क्यों भरती हो ये मांग सिंदूर, कोई भी कहते ना दुनिया को दिखाने का क्या जरूरत है, तिलक कट्टी अरे अंदर में रखो ना, अंदर में रखो, दुनिया को भी दिखाते हो। हमारे गुरु जी कहते थे जैसे तुम्हारी पति है, अगर पति रहते हुए अगर पत्नी सारे सधवा का श्रृंगार उतारते और विधवा की श्रृंगार धारण करते हुए पति को सामने जाए, बताओ तुम्हारी पति तुम्हें स्वीकार करेगा कि नहीं, बोल के जिंदा रहते रहते तुमने को मार डाल, अभी मैं जिंदा तुम्हें, जब तुमको दुनिया की पति तुम्हें स्वीकार नहीं करते, पति कब बना तुम्हारी, शादी से पहले कोई मतलब था तुम्हारी, बीच में डाइवोर्स हो गया तो लास्ट में तो जाएगा शरीर। जब दो दिन पति के लिए हमने इतनी मांग भर लिए हो, कहते ना ऐसे बर को क्या भरे जो जन्मे और मर जाए, बर भरी हो गोपाल जो चुड़ल अमर हो जाए। कहते ना आज आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो और मुझे श्याम सुंदर की। इसलिए ये जो तिलक गला में कहती है ना, ये दुल्हन का चिन्ह है। अगर भगवान के सामने आप जाओ ना, जब तक तुम्हारी गले में कंठी तिलक नहीं हो, भगवान तुम्हें एकदम स्वीकार नहीं करेंगे, बोले तेरे से हमारी कोई मतलब नहीं, क्या प्रमाण है तुम्हारे साथ तुम मेरे भजन करते हो, मैं तेरा बोलने से भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन गले में कंठी तिलक होगा ना, बोलने का जरूरत नहीं, वो कहेंगे तुम मेरी हो, तुम मेरी हो, क्योंकि ये सुहाग के लक्षण है। तभी तो हनुमान जी क्यों तिलक लगाते, गोस्वामी तुलसीदास हाँ जितने संत तिलक कंठी क्यों धारण करते हैं, ठीक है ना, कंठी तिलक हमारी होनी चाहिए। इसलिए जब महाराज जी बात को स्वयं कहते हैं, इसलिए जो भक्ति करते हैं कल मेरे पास में नहीं लाना है, अगर जिसको गले में कंठी तुलसी देखना दूर से उनको प्रणाम कर लेना, समझ जाना, अगर वो पाप कोई करेंगे ना, कहते मैं उसका विचार नहीं कर सकता, विचार उसको ठाकुर जी करेंगे, उसको विचार श्री ठाकुर जी करेंगे। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम। यहाँ से कोई चले जाओ थोड़ा बामन देव को, वो बामन देव कहाँ गए, जाओ वहां पर छतरी, जब तुम चले जाओ उधर चले जाओ, पीछे चले जाओ, वो कोई यहाँ पर है द्विजय प्रभु है, जब तक फूली माला पी डाड़ी जाओ, फिर फूले का माला दे देते, लेकिन फूले माला नहीं जाओ, अभी भगवान बामन देव आएंगे फिर उसके बाद में कन्हैया आएंगे, लो लो उसको लो द्विजय प्रभु, फिर माला ले लो, साजिदा छत्री और घर में ना ये होगा एक जो ले भगवान बामन देव की। देखो आज तो भगवान कृष्ण जन्म हुए, इसलिए आप कौन सा रंग की साड़ी पहन करके आए हो, पीला रंग की, सब गुलाब गुलाब, ठीक है, देखो आज तो पीले रंग की कपड़े पहन करके हो, कल राधा रानी जन्म लेगी, कल श्री राधा रानी की, जब तक भागवत में ना अब डायरेक्ट पढ़ोगे तो कहीं राधा जी का नाम नहीं दिखेगा, लेकिन कल हम ये कथा सुनेंगे, भागवत केवल राधा जी का ही नाम है और किसी का नाम है ही नहीं, केवल भागवत में राधा ही राधा। इसलिए वृंदावन तो कृष्ण का भूमि है, देखना यहाँ पर कोई कृष्ण कृष्ण नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, जोर से बोलो और जोर से सबके सब श्री राधा जी का नाम लेते हैं। इसलिए कल हम ये कथा सुनेंगे भागवत में कैसे केवल राधे राधे कैसे और राधा रानी कैसे जन्म लेती हैं और सुखदेव गोस्वामी जो वर्णना करते हैं कृष्ण का जन्म उत्सव को साथ में राधा जी की भी उत्सव वर्णना करते हैं, कल ये कथा सुनेंगे। इसलिए आज तो आप लोग पीले वस्त्र पहन करके आए हो, कल सबके सब श्री कहते गुलाबी रंग के साड़ी पहन करके आना, कौन सा रंग के, आज ही गुलाबी गुलाबी सब पहन दिए है,
आज ही गुलाबी पहनिए, ठीक है, कल भी सब गुलाबी रंग के साड़ी पहन कर जाना, क्योंकि राधा रानी का जो चुनरी का जो रंग है ना, कहती है गुलाल रंग के श्री राधा रानी की चुनरी का रंग है, इसलिए गुलाल, जैसे हम होली खेलते हैं ना, होली का रंग कैसे गुलाल, कहते ना गुलाल, कृष्ण राधा जी के ऊपर फेंकते, राधा रानी कृष्ण के ऊपर फेंकते हैं, बोले गुलाल रंग किया, बोले अनुराग, ये प्रेम है, ये प्रेम है, एक दूसरों को अपना प्रेम में भिगो देती है। बोले श्री वामन भगवान की, देखो जब तक देवता देखते हुए प्राय करके लड़ाई होती थी, लड़ाई होने पर देवता अगर मरे ना मर जाए, अगर ये दैत्य लोग मर जाए, इनका गुरु शुक्राचार्य वो संजीवनी मंत्र से फिर उनको जिंदा कर देते। एक दिन देवता लोग भगवान के पास में गए, बोले प्रभु अमर कैसे बन गई, बोले एक काम करो, देवता दैत्य दोनों मिलकर के समुद्र मंथन करो, समुद्र मंथन से अमृत निकलेगा, इसको पी करके तुम लोग अमर बन जाओगे। अभी समुद्र मंथन हुई तो सबसे पहले ये हलाहल बीज निकला, शंकर जी को उन्होंने प्रार्थना किया तो टन के टन उन्होंने ये हलाहल बीज को पान कर लिया, और कहां पर धारण की, उन्होंने कंठे में धारण कर लिया, इसलिए शंकर जी का कंठ बन गया नील, इसलिए शंकर जी का एक नाम हो गया नीलकंठ है। बोले श्री नीलकंठ महादेव की। हाँ देखो यहाँ शिक्षा देते हैं, अगर कोई गंदी चीज हो ना उसको हृदय में मत रखो, और कोई गंदी चीज हो उसको मुंह में भी मत रखो, क्यों, मुंह में रखोगे वहां भी लड़ाई झगड़ा कराएगा, हृदय में रखेगा तो हृदय भी कलुषित होगा, कोई गंदी चीज हो कहाँ रख लो, अपना कंठ में रखो, शंकर जी ही शिक्षा देते हैं। फिर समुद्र मंथन हुई, वहां से निकली माँ लक्ष्मी, आप बताओ लक्ष्मी किसको नहीं चाहिए, दुनिया लक्ष्मी के लिए तपस्या करते हैं, अभी सारा दुनिया लक्ष्मी को पीछे पड़ गए, हमें लक्ष्मी चाहिए, लक्ष्मी बोली ऐसे नहीं, लाइन में खड़े हो जाओ, मैं अपना मनमर्जी पति को चुनूंगी। लक्ष्मी बरमाला लेकर सबको पास में गई, लेकिन सभी को अंदर में कुछ ना कुछ कमी मिला, पूर्ण कोई नहीं मिले, लेकिन जब नारायण को पास में गए ना, देखा अगर कोई सर्वगुण संपन्न है श्री नारायण है, लेकिन नारायण में भी एक दोष दिखा, बोले क्या दोष दिखा, उसने देखा मैं तो नारायण को चाह रही हूँ लेकिन नारायण मुझे नहीं चाह रहे, बोले नारायण मेरे को क्यों चाहेंगे, क्यों, भगवान को बताया ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं, भगवान पूर्ण है, उनकी किसी चीज की जरूरत नहीं, लेकिन हमें ठाकुर जी की जरूरत, इसलिए माँ लक्ष्मी क्या की, अपना बरमला श्री नारायण की गला में पहना दी। बोले श्री लक्ष्मी नारायण की। फिर मंथन हुई, मंथन से माल स्वयं श्री धन्वंतरि ने अमृत कलश लेकर के उठा, अभी अमृत के लिए तो लड़ाई शुरू हो गया देवता दैत्य में, इतने में दैत्य लोग छीन लिया, ठाकुर जी ने देखा अगर दैत्य पान कर लिया अमर हो जाएंगे, अगर ये अमर हो गए तो दुनिया के लिए हानिकारक, इतने में भगवान श्री मोहिनी अवतार लेते, क्या सुंदर प्रभु देखने में थे, मोहिनी रूप को देख रहे जो आपस में अमृत के लिए जो लड़ रहे थे ना, वो लड़ाई खत्म, अभी सबके सब पागल हो रहे हैं लक्ष्मी से बात करने के लिए, एक दैत्य जाकर बोले जी अजी तुम कहां से आए, एक दैत्य धक्का मार के एक तेरे को पूछना नहीं आता, उसने जाकर कहते भैया तेरे पिताजी के माताजी के तीसरा कहते तेरे को बात नहीं करना, तुझे धक्का मार, अभी मोहिनी को साथ में बात करने के लिए सब पागल हो गए, इतने में मोहिनी ने पूछा ये बताओ ये सब कौन है, सब तिलक लगाने वाले सब कौन है, बोले ये सब हमारे भाई लगते हैं देवता लोग, बोले फिर आपस में लड़ाई क्यों कर रहे हो, बोले अमृत के लिए लड़ाई कर रहा है सबके सब, बोले देखो सुंदरी हम अमृत ना तेरे हाथ से पीना चाहते हैं, इतने में दैत्य लोग, मोहिनी बोली मैं अनजान स्त्री हूँ, अनजान स्त्री को ऊपर विश्वास नहीं करनी चाहिए, बोले नहीं पिएगा तो तुम्हारी आत्मा ने तो पिएगी नहीं, बोले देखो मैं जो कुछ कर सकती हूँ, फिर बीच में बोलना नहीं, बोले कुछ भी नहीं बोलेंगे, बोले दो लाइन करके बैठो, बोले ये देवताओं को तो पहले पानी पानी पिला देती हूँ जो गाढ़ा गाढ़ा रह जाएगा ना, फिर हम दोनों बैठ करके एकांत में पान करेंगे। अभी जब उन्होंने देवताओं को पिला रहे थे, एक स्वर भानु नाम का दैत्य था, उसने देखा भैया ये नया मित्र, इसको अगर कोई विश्वास नहीं हो ना हो ऐसे लग रहा है ये सारे अमृत ये देवता को पिला दे, और वो मोहिनी क्या कर रही थी, वो तो अमृत तब पिला रही थी किसी को, लेकिन तेरे से चितवन से ना वो दैत्य तरफ देख रही थी और मीठी मीठी हंस रही थी, दैत्यों को तो अमृत को प्रति पर ध्यान ही नहीं, उनको ध्यान तो उनको मीठी मीठी मुस्कुराहट में और उनकी तेरे से चितवन में उनकी ध्यान है,
बोले मोहिनी अगर अमृत नहीं मिले कोई बात नहीं, अगर तू मिल गया ना हमें सब कुछ मिल जाएगा। उन्होंने ऐसे बांटते बांटते वो सौर भानु नाम का दैत्य आकर के चंद्र सूर्य के बीच में बैठ कर पी लिया। उन्होंने इशारा किया प्रभु ये दैत्य पी लिया। भगवान ने चक्र को बुलाया, उन्होंने गला काट दी। एक राहु एक केतु बनी, इसलिए चंद्र सूर्य के बीच बीच में ये ग्रहण करते हैं, उनको आक्रमण करते। अभी ऐसे करते करते जब अमृत समाप्त हो गया, मोहिनी ने खाली कलश को फेंके और मोहिनी अंदर ध्यान हो गई। फिर तो देवता दैत्य में लड़ाई शुरू हो गई। अरे दैत्य लोग तो अमृत पी चुके थे, देवता लोग जैसे केले का पेड़ को काटते हैं ना, सारे दैत्यों को मारना शुरू कर दिया। ब्रह्मा जी ने देखा लगता है दैत्य बल से ही समाप्त हो जाएगा। इतने में भगवान श्री हैं, इतने में श्री ब्रह्मा जी प्रकट हुए, युद्ध को उन्होंने समाप्त किए। फिर गुरु जी आए, शुक्राचार्य अपना चेले को मंत्र से फिर उनको जिंदा कर दिया, संजीवनी मंत्र से। अभी दैत्यों का राजा बलि ने एक यज्ञ किया जिसका नाम विश्वजीत महायज्ञ था। वो यज्ञ से एक निकला वहां पर रथ, वो रथ में बैठी करके जो युद्ध करेगा उसको जगत में कोई नहीं मार सकते हैं। फिर उन्होंने वो युद्ध रथ में बैठी करके फिर प्रहलाद महाराज ने भगवान की प्रसाद की माला दिया और ब्राह्मण का आशीर्वाद लेकर के फिर दैत्यों के ऊपर चढ़ाव कर दिया। सारे दैत्यों को मार मार करके, देवता को मार मार करके भगा दिए। फिर इंद्रपद को उन्होंने दखल कर लिया, इंद्रपद को उन्होंने दखल कर लिया। अभी सारे देवता लोग मारे मारे भटक गए। इनकी माता थी अदिति, इन्होंने कश्यप जी से बोले मेरे पिता को स्वर्ग राज्य कैसे मिलेगा। बोले देखो एक व्रत है जिसका नाम कयो व्रत है, ये 12 दिन का एक व्रत है, जिस दिन से आप रजस्वला बनोगे उसी दिन से ये व्रत को शुरू करो और भगवान को खीर भोग लगाकर खाओ और केवल दूध पी कर रहो और भगवान को विष्णु को आराधना करो। भगवान विष्णु जब संतुष्ट हो जाएंगे श्री बामन रूप में आकर के फिर उनको आपको ये स्वर्ग राज्य दे सकते हैं। व्रत किया तो भगवान स्वयं श्री बामन रूप में भगवान आविर्भूत होंगे। श्री बामन भगवान की जब भगवान बामन देव आए, ये त्रिलोक उमड़ा प्रभु को दर्शन करने के लिए। फिर बृहस्पति ने इनके लिए उपनयन संस्कार करवाया। नियम है उपनयन संस्कार के बाद में बच्चे को फिर गुरु जी को कुछ भिक्षा देना पड़ता है। बोले गुरु जी बताओ क्या भिक्षा चाहिए। बोले मेरे को छोटे मोटे चीज नहीं, जाओ ये नर्मदा नदी किनारा में बलि महाराज यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ को बाद में जो जो कुछ चीज मांगते हैं सबकी इच्छा ये पूरी करते हैं, वहां से स्वर्ग राज्यों को मांग कर बुलाओ। जब बलि जब श्री बामन देव पहुंचे, बलि महाराज बामन देव का तेज देख करके मानो दीन में कहीं ये चंद्रमा प्रकट हो गया, क्या सुंदर प्रभु देखने में। भगवान को उन्होंने आसन में बैठाया, चरण भय चरणामृत लिए। बोले आज मेरे जीवन धन्य हो गया है, आप जैसे ब्राह्मण को दर्शन करते हुए आज आप जो कुछ मांगोगे आप तो मैं झोली भर दूंगा, जो कुछ मांगना जी भर करके मांग लो। बोले देखो मैं ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण को ज्यादा लोभी नहीं होनी चाहिए, केवल मेरे को 3 गज जमीनी चाहिए। बोले 3 गज जमीनी में क्या करोगे। बोले भजने के लिए चाहिए ना। बोले भैया सामान को भी तो रखने के लिए कोई चीज चाहिए। बोले नहीं, अगर 3 पग भूमि में अगर संतुष्ट नहीं होना त्रिभुवन में भी कोई संतुष्ट नहीं हो सकता है, इसलिए हमें केवल 3 पग जमीनी चाहिए। लेकिन पहले संकल्प करो। जब संकल्प करने जा रहे थे किसने जा करके बृहस्पति शुक्राचार्य को बोल दिया, बोले तू तो यहाँ सुहा सुहा में लगे हो और भगवान बामन बन करके आए, अभी 3 पग जमीनी मांग करके त्रिभुवन को राज्य ले लेगी, हैं? अभी तेरे चेला ना लुटा जा रहा है। इतने में शुक्राचार्य जी आ गए। बोले बलि महाराज। बोले क्या बात। बोले सावधान, जानते हो ये कौन है। बोले कौन है। बोले पहले जो मोहिनी बन करके आई थी ना, वही मोहिनी अभी ये मोहन बन करके आया। ये 3 पग जमीनी नहीं त्रिभुवन ले जाएगा। भैया ऐसे दान को श्रेय नहीं मानी जाती जो सब कुछ चली जाए। अरे तेरी दुनियादारी संसार है ना, कुछ खिलाने पिलाने के लिए तो चाहिए ना, ना तो सब कुछ लुटा दोगे। बलि महाराज तो संतुष्ट हो गए।
बोले मेरे दोनों हाथ में लड्डू ही लड्डू। बोले क्यों? बोले एक में तो दुर्गा, अरे बोले शेर को ऊपर चढ़ कर गाय, मतलब एक तो दान मांगने वाले, अरे अगर ठाकुर जी स्वयं दान लेने के लिए आए, मेरे जैसे कोई सौभाग्यवान होगा जो भगवान को भी दान देने वाले, सारा दुनिया को जो देने वाले उनको आज मैं देने वाला हूँ। प्रसन्न हो गए, बोले भगवान को मैं तो दान दूंगा, बोले मैं गुरु हूँ, मेरे बात को नहीं मानोगे? बोले नहीं मानूंगा, बोले तेरे को अभिशाप देता हूँ, तू श्री भ्रष्ट हो जाओ। बोले कोई बात नहीं, देखो यहाँ पर बताए गुरु जी को कभी त्याग नहीं देनी चाहिए, गुरु त्याग करना पाप लगता है, लेकिन इन्होंने गुरु जी को त्याग दिया। बोले क्यों गुरु जी को त्याग दिया? बोले इन्होंने भगवान की भक्ति में, भगवान की सेवा में, भगवान को दान के लिए उन्होंने मना किया है। इसलिए शास्त्र कहता है गुरु कौन है? बोले अखंड मंडलाकारम व्याप्त जन चराचरम तत्पद दर्शितम जैन तस्मय से गुरु नमः। गुरु का काम है भगवान जो कण कण में व्याप्त है उनका चरण को जो दर्शन कराते, लेकिन ये स्वयं भगवान आए, बोले उनको दानी मत दो, बोले ऐसे गुरु को हमें जरूरत नहीं। इसलिए उन्होंने गुरु जी को त्याग दिया। भगवान जब फिर संकल्प करने जा रहा था, हाँ जो नाल होता है उसमें फिर कीड़ा बनकर बैठ गया, फिर उन्होंने फूस लेकर छेद किया, एक आग चली गई। यहाँ शिक्षा देते हैं हमें भगवान की जो भक्ति में ना कभी टांग नहीं रहनी चाहिए। अगर भगवान की सेवा भक्ति अगर हमसे नहीं हो पा रही कोई बात नहीं, अगर कोई भक्ति कर रहा है भजन कर रहा है फिर उसमें टांग अड़ा हो उसमें, कहते भैया फिर तुम्हारी एक आंख चली जाएगी, काना बन जाओगे, फिर तुम वहां से भग गए। जब भग गए फिर उन्होंने संकल्प किया भगवान एक पग में भूर भूव मोह जन तप सत्यलोक तक नाप लिया। जब उनकी चरण ब्रह्मांड कटाव को छेद करके जब पहुंचा वहीं से पतित पावन श्री गंगा देवी प्रकट होती है। बोले श्री गंगा महारानी की, बोले श्री गंगा देवी की। दूसरे पग में अतल बितल तलातल पाताल लोक, बताओ तीसरे चरण कहाँ रखे? फिर उन्होंने गरुड़ जी को बुलाकर बांध दिए। उनकी जो पत्नी थी ना बड़ी धर्मात्मा बड़ी बुद्धिमान, बोले आप भगवान को क्या दिया? मुझे तो दिया ही नहीं, दुनिया भगवान की दुनिया प्रभु ने ले लिया। जब खुद को खुद नहीं दे देते हो थोड़ी किसी भगवान को देना होता है। बलि महाराज इतने संतुष्ट हो गए, बोले धन्य है तेरी जैसे स्त्री पा करके मेरे जीवन को धन्य हो गया। बोले मतलब क्या? शिक्षा देते हैं हर समय पति जो धर्म काम कर रहे हैं, पति जो भगवान की भक्ति कर रहा है, पत्नी का धर्म क्या? पति को धर्म में मदद करनी चाहिए। बोले तेरी जैसे पत्नी जो पति को कभी गिरने नहीं दे, पति को उठा करके रखे, बोले तेरी जैसे पत्नी को पाकर मैं धन्य हो गया। मैं तो सोच में पड़ गया था भगवान को भी दूं किया, भगवान को भी दूं किया, तुमने मेरे को अच्छी बुद्धि दी। बोले अपना सर रख दो, भगवान को कुछ नहीं दिया अपना, बोले सर को ऊपर रखे। बोले प्रभु ये बताओ दान बढ़ाना दानी बढ़ा? बोले दानी बढ़ा, बोले आप तो दानी दी, अभी दानी स्वयं बाकी, बताओ कहाँ तीसरे चरण है? बोले कहाँ पर रखे? बोले सर पर रखो। भगवान अपना चरण उसके सर पर रखे, सारे देवता आश्चर्य हो रहे थे। बोले क्यों? बोले शेष महेश गणेश दिनेश सूर्य जाहि निरंतर ध्याने। लेकिन आज देखो वो चरण कहाँ पर? से बलि महाराज के सर पर। सारे देवता लोग प्रसन्न होकर के स्वर्ग से पुष्प की बौछार की। बोले श्री बलि महाराज की। जब उन्होंने ले लिया भी उन्होंने प्रसन्न हो गए। बोले जाओ तेरे को हम सुतल लोक में स्थान देते हैं और दूसरे बार में तुम स्वर्ग का इंद्र बनोगे। बोले तुम कुछ बर मांगो? बोले प्रभु एक ही बर दो। बोले क्या बर है? बोले मेरी चार दरवाजा है घर में, जब मैं घर से बाहर निकलू ना आपका दर्शन करके निकलू, जब घर में प्रवेश करू आपका दर्शन करते हुए प्रवेश करू, आप मेरे को यही वरदान दो। बोले तथास्तु। अरे भगवान क्या बन गए बताओ? क्या बन गए? क्या भगवान बन गए? द्वारपाल बन गए भगवान। मतलब इनकी द्वारपाल मतलब नहीं द्वारपाल, मतलब भगवान इनके प्रेम में वशीभूत होकर के दरवाजा पर बैठ गए ठाकुर जी। और कभी कभी भगवान क्या करते हैं? बलि महाराज जो भगवत चर्चा करते हैं भगवान ही बैठी करके भगवत चर्चा को सुनते हैं हम की वहीं पर। एक दिन नारद जी वैकुंठ में पहुंचे, देखा वैकुंठ में नारायण नहीं। लक्ष्मी को पूछे प्रभु कहाँ हैं? बोले पता नहीं कहीं गए तो अभी तक आए नहीं।
बोले देखो वो गए थे छलने के लिए, स्वयं छल गए। वो ठगने के लिए गए थे, ठग गए। बोले कहां पर? उन्होंने विदेश में अपना नौकरी ढूंढ लिया। बोले नौकरी ढूंढ लिया? बोले कौन सा नौकरी? बोले दरबार की। बोले दरबार की नौकरी? बोले कहां पर? बोले बलि महाराज के दरबार पर। अभी मैया लक्ष्मी लेने के लिए आए, देखा ठाकुर जी कह रहे जगते रहो जगते रहो। बोले प्रभु आप केवल इतना ही कसर रह गया था। बोले अभी बात मत करो, अभी मैं ड्यूटी दे रहा हूँ। इतने में रोज बलि महाराज रोज क्या करते हैं? रोज वो दान देते हैं बलि महाराज जी। जब दान देते हैं माँ लक्ष्मी भी जिस लाइन में है, कहते जिस लाइन में स्वयं साधारण लोग खड़े हुए ब्राह्मण, माँ लक्ष्मी भी उसी लाइन में माँ लक्ष्मी भी खड़ी हो गई। जब लक्ष्मी की नंबर आई बताओ क्या चाहिए? बोले पहले संकल्प करो, फिर मैं मांगूंगा। बोले भैया पहले तो एक संकल्प कराने वाला आया था, ये दूसरे संकल्प कराने वाली कौन आ गया? अभी याद आ गया। बोले संकल्प की क्या जरूरत, मांगो ना। बोले नहीं, बगैर संकल्प से मैं कोई चीज नहीं मांगती हूँ। जब उन्होंने संकल्प की ना, फिर उन्होंने घर मांगे। बोले देखो मेरे पास में सब चीज बढ़िया है, लेकिन एक चीज की कमी, मेरे कोई दरबार नहीं। मैंने देखा आपका यहाँ के अच्छे दरबार बैठा हुआ, वो दरबार को मेरे को दे दो। वो तो समझ गए, ये समझ गए ये कोई साधारण नहीं। बोले बताओ आप है कौन? तब स्वयं वहां माँ लक्ष्मी स्वयं वहां पर प्रकट होती हैं। जब प्रकट हुई बोले देखो इनको तो मैं दे नहीं सकता हूँ। बोले प्रभु आप एक स्वरूप में रहो और दूसरे स्वरूप में आप जाओ। भगवान एक स्वरूप में वहां पर रहे, और देखो बलि महाराज की भक्ति कितना बड़ी। तब श्री बलि महाराज ने वामन देव का हाथ को लगा करके लक्ष्मी को हाथ में देते हैं। सारा दुनिया आप देखना माँ लक्ष्मी हाथ कैसे रहती है, अब देखो लक्ष्मी का हाथ कैसे ऐसे रहती है। मतलब सारा दुनिया लक्ष्मी की कृपा चाहती है। अगर लक्ष्मी की कृपा नहीं होता तो क्या होगा? सब भूखे मर जाएंगे। सारा दुनिया माँ लक्ष्मी की कृपा चाहती है, सारा दुनिया। लेकिन आज दुनिया को लक्ष्मी देने वाले माँ है, लेकिन आज माँ लक्ष्मी स्वयं दान ले रही है। बोले किससे? बोले बलि महाराज से। बोले क्या दान ले रही? बोले सब छोटी मोटी चीज नहीं, उनने साक्षात अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड का जो मालिक है उनको हाथ को लेकर के लक्ष्मी को हाथ में दिए। मतलब दुनिया जिससे ले रहे हैं उनको दे रहे हैं, और छोटे मोटे चीज नहीं साक्षात ठाकुर जी को दे रहे हैं। मतलब भगवान भक्तों की प्रेम में कितने दूर तक भगवान वसूत हो जाते हैं, ये चीज यहाँ पर दिखाए। बोले श्री बलि महाराज की, बोले श्री बामन भगवान की। उसको ले आओ, बच्चे को ले आओ। हरे कृष्णा दीजो प्रभु जी, वो बच्चे को ले आओ। हाँ हरे कृष्णा, अभी भगवान आपके पास में भिक्षा लेने के लिए जाएगा। भगवान हमें सारा दुनिया तक तो ठाकुर हमें खिलाया, लेकिन आज ठाकुर जी आपके पास में भिक्षा लेने जाएंगे। और भगवान को भिक्षा देने का बड़ा पुण्य है। सुदामा जी दो मुट्ठी चिड़वा दिया तो ठाकुर जी त्रिभुवन का राज्य दे दिया। अभी वामन देव आ रहे हैं, छतरी खोल दो। आप लोग वामन देव को थोड़ा थोड़ा भिक्षा देना, छतरी खोल दो, छतरी खोलो। बोलो भगवान की जय, जय जय श्री राम। तेरे द्वार खड़ा भगवान, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भजते भगत हरे हरे। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भजते भगत हरे हरे। भगवान भगवान
Oh,
लेकिन बेटी आए तो क्या बोलते घर में, लक्ष्मी। आप देखना बेटी की जब दान करती है वो लक्ष्मी रूपा मानकर दान की जाती है। और बताया जो कन्या दान से बराबर जगत में बड़ा दान कुछ भी नहीं, सबसे बड़ा दान कौन सा दान, कन्या दान को बताया गया सबसे। लेकिन दुनिया अभी ऐसे हो गया है अगर घर में बेटी आए ना दुखी हो जाते, सबसे पहले नाना रानी तो सबसे ज्यादा दुखी हो जाते, घर में बेटा नहीं हो फिर बेटी कैसे आ गई है दुखी हो जाते हैं। नहीं घर में बेटी आए तो अब देखना जिसकी घर में बेटी ज्यादा होगी ना उस घर में लक्ष्मी भी ज्यादा आएगी, ये नियम है। घर में बेटी आए ना लक्ष्मी की कृपा बड़ी, उसी घर में लक्ष्मी की कृपा होती है। इसलिए बेटा आए और बेटी आए दुखी नहीं होनी चाहिए, है दुखी नहीं होनी चाहिए। देखो बाहर जब पिता माता पिता अगर बाहर जाए ना जानते हो बेटा क्या बोलता है, बोले पिताजी मेरे लिए क्या लाओगे। लेकिन अगर बेटी क्या बोलेगा अब पता है, बोले कब आओगे, क्या बोलेगा कब आओगे, और बेटा क्या बोलेगा क्या लाओगे। इसलिए बेटियां कभी हैं, बेटियां कभी हक नहीं करते संपत्ति में, लेकिन हक कब करते बेटा लोग करते, बेटा लोग करते हैं। अगर घर में अगर बेटियां नहीं होगी, अगर माताएं नहीं होगी, ये दुनिया का जो क्रम है सृष्टि हो सकती है घर बताओ, ये सृष्टि का क्रम बढ़ेगी वो घट जाएगी। इसलिए माताएं हैं तभी तो चाचा चाची नाती पोती दुनिया होता है। इसलिए कभी अभी कहते ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ कहते ना, इसलिए बेटी की बहुत जरूरत है, इसलिए दुखी नहीं होनी चाहिए। इसलिए वशिष्ठ जी ये बात को बताए, बोले देखो घर में बेटी आए ना सारा दुनिया कहते घर में लक्ष्मी आई है, दुखी क्यों हो रहे घर में लक्ष्मी आई। बोले नहीं ये बात की बात हमें तो बेटा चाहिए। बोले क्यों, बोले राज सिंहासन में कौन संभालेगा। देखो पहले का साइंस कितना एडवांस था, वो वशिष्ठ जी ऐसे मंत्र पढ़े जो बेटी थी उन्होंने उनको बेटा बना दिया जिसका नाम पड़ेगा सुदुग्न। अभी ऐसे कोई साइंस ही है जो बेटी को कोई बेटा बना सकता है, अभी साइंस इतना एडवांस हुआ है। इसलिए पहले का जो साइंस है ना इतने एडवांस का साइंस जो सोच भी नहीं सकते, अभी कुछ भी नहीं है। अभी कुछ भी साइंस का जो एडवांस कह रहे ना जैसे इंटरनेट मोबाइल ये सब चीजें, आपको पता होगा जब महाभारत युद्ध हो रहा था संजय घर में बैठी बैठी करके श्री धृतराष्ट्र को सारी बात वहीं पर बता रहा था, हा? उस समय कोई इंटरनेट वेटरनेट कोई जरूरत नहीं थी, है इसलिए अपने आप सारे दिव्य ज्ञान उनकी प्राप्ति होती थी, ऐसे उनकी ज्ञान होती थी। इतने में उन्होंने जब बेटा बना दिया बेटा बड़ा हुआ, एक दिन राजा जो बेटा सन्न सामंत को लेकर के उसने जंगल में घूमने गया और एक जंगल में प्रवेश करते जितने घोड़ा से घोड़ी जितने सैनिक बेटी और राजकुमार देख रहे हैं राजकुमार। बोले भैया ये क्या हो गया, हम सबके सब बेटी कैसे बन गई, बोले ऐसे कैसे हो गया, इसका कारण क्या। बोले कारण ही वो जंगल में श्री शंकर जी रहते थे, एक दिन शंकर पार्वती दोनों मिल रहे थे चतुष्ट दर्शन करने के लिए गए शंकर जी को। जब दर्शन के लिए गए इतने में तो मैया पार्वती इतनी शर्मिंदा में पड़ गई, बोले ये कोई घर गृहस्थी है जिसकी इच्छा हो मुंह उठा करके चले जाते हैं यहाँ पर। शंकर जी अभिशाप दिया आज का दिन को बाद में अगर कोई पुरुष आएगा जंगल में वो पुरुष नहीं रह जाएगा वो स्त्री बनी जाएगी। अभी इनको पता ही नहीं था सबके सब स्त्री बन गए। अभी वो इतने शर्मिंदा में पड़ गए कोई राज्य में नहीं आ रही। वशिष्ठ फिर राजा को पता चला फिर उन्होंने वशिष्ठ जी के पास में गए, फिर वशिष्ठ शंकर जी के पास में गए। शंकर जी बोले मैं एक ही काम कर सकता हूँ, तुम्हारा बेटा एक महीना ये बेटा रहेगा और एक महीना बेटी रहेगी, बोले कम से कम इतना ही कर दो। जब उसने बेटा था तब उनकी शादी हुई राजकुमारी से, जब शादी हुई जो बच्चा हुआ वो बच्चा से श्री सूर्यवंश आया और सूर्यवंश में स्वयं भगवान राम आए। लेकिन जब एला हुई उसी समय भूत के साथ में शादी हुई, वहां से जो संतान हुआ वो उसी से चंद्रवंश आया और चंद्रवंश में कौन आए भगवान कृष्ण आए। देखो ठाकुर जी कितने विचित्र लीला ठाकुर जी की, एक व्यक्ति से ही ये दो वंश चले सूर्य वंश और चंद्रवंश, और उसी दो वंश में ही हमारे जो दो भगवान है भगवान राम और भगवान कृष्ण एक व्यक्ति से ही दोनों आए। मतलब ये भगवान की एक अद्भुत ये की लीला है ठाकुर जी की। अभी भगवान कृष्ण अभी आने वाले हैं, अभी श्री सुखदेव गोस्वामी जैसे टीवी में सीरियल देखते हैं ना
उनने पूरा उनके हृदय में पूरा के पूरा कृष्ण लीला उतरने लग गया। उन्होंने किया क्या, एक श्लोक को बोल करके पूरा कृष्ण लीला खत्म कर दिया। कृष्ण कैसे मथुरा में कंस के कारागार में प्रकट हो गए, कैसे गोकुल में गए, कैसे पुतना अघासुर बकासुर मारे, कृष्ण कैसे कालिया के सर पर नृत्य की, कैसे रास रचाए, कैसे मथुरा गए कंस को उद्धार किया, कैसे द्वारका गए 16,108 पटरानियों से शादी की, हर रानियों से 10-10 बेटा एक के बेटी हुई, कैसे उन्होंने अभिशाप को ग्रहण किया और प्रभास क्षेत्र में अपना अंतिम लीला को समाप्त कर दिए। बोल करके ना बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। कोई जयकार नहीं दे रहे, आवाज नहीं आ रही, जोर से भगवान जय। अभी ठाकुर जी आने वाले ना, इतने जोर से जयकार तो बोलो वृंदावन पहुंच जाए और भगवान वहां से आ जाए। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अभी लग रहा है कथा हो रही है। अभी उन्होंने जब उन्होंने जयकार दे दिया ना और चुप हो गए, परिकृत महाराज लिखने लग गए। बोले क्या कथा खत्म हो गया, बोले पूरी कथा सुनाए ना कृष्ण कथा। बोले भैया मैं तो चार चार दिन से केवल एक टकटक लगा करके बैठा हुआ हूँ, कृष्ण कथा कब आएगा, कृष्ण कथा सुनूंगा। बोले क्यों, बोले कृष्ण मेरे कुल देवता है। जब मैं माँ की पेट में था अस्वस्थ माने ब्रह्मास्त्र प्रयोग, कृष्ण गर्भ में प्रवेश करते हुए उन्होंने मेरे को रक्षा किया था, वो मेरी कुल देवता है। और आपका जैसे अगस्त ऋषि ने क्या किया, एक चूल भर पानी में उन्होंने संपूर्ण समुद्र को जैसे पार कर दिया, आप तो एक श्लोक में पूरा कृष्ण कथा सुना दी है, इसलिए मेरे को तृप्त नहीं हुआ। मैं चाहता हूँ कृष्ण कथा एकदम बढ़िया करके कृष्ण कथा सुनाओ है, एकदम व्याख्या करते हुए। तब श्री सुखदेव गोस्वामी बोले परीक्षित, चार चार दिन हो गया तो एक बूंद पानी तक भी नहीं पिया, थोड़ा पानी तो ले लो। बोले प्रभु पानी के लिए इतना गड़बड़ी हुई है, क्योंकि मैंने ऋषि के आश्रम पर पानी के लिए पहुंचा, पानी मांगा, पानी नहीं दिया, तभी मैंने मरा हुआ सर्प डाल दिया और श्रृंगी ऋषि ने मेरे को अभिशाप दिया सप्तम दिवस में तक्षक दर्शन करेगा। ये पानी के लिए तो जितना गड़बड़ी हुई, आप कह रहे हो पानी पीने के लिए, प्रभु आपके मुखचंद्र को दर्शन करते हुए, आपके मुखार बिंद से आप कृष्ण कथा सुनते सुनते मैं तृप्त हो रहा हूँ, मेरे को पानी की जरूरत नहीं, आप कथा को बंद करके ना अभी मेरे को प्यास लगने लग जाएगी, इसलिए प्रभु कथा कंटिन्यू कथा सुनाते रहो, पानी की जरूरत नहीं। प्रसन्न हो गए, प्रसन्न होकर के फिर तो उन्होंने 3 दिन तक फिर कृष्ण 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 ही कथा सुनाए। बोले कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो राज्यां चोभय वंशानां चरितं परमाद्भुतम्। बल भागवत में 2 वंशावली के नाम आए, एक सूर्य वंश एक चंद्र वंश। ये वंश में बहुत बड़े बड़े राजा आए, लेकिन आने पर भी सबकी सबसे प्यारी कथा किसकी है, सबसे प्यारी कथा भगवान कृष्ण और राम है। कहते भगवान की कथा 3 लोग को पवित्र करती है, बोले 3 गंगा है, एक आकाश में गंगा जिसका नाम मंदाकिनी, एक मर्त्य जगत में गंगा जिसका नाम भागीरथी, एक पाताल लोक में गंगा जिसका नाम भोगवती, 3 गंगा। जैसे ये 3 गंगा 3 लोगों को पवित्र करती है, कृष्ण कथा भी 3 लोगों को पवित्र करती है। बोले किसको किसको, जो बोलने वाले, जो सुनने वाले और जो प्रश्न करने वाले, कहते ये 3 लोगों को पवित्र करती है। बोले कृष्ण कथा में इतने मधुर, कृष्ण कथा इतना मीठा कृष्ण कथा है। बोले आत्मा रामश्च मुनयो निर्गंथ अभिरुक्रमे, जो आत्मा में जो रमण करने वाले बड़े बड़े ऋषि सुखदेव गोस्वामी जैसे चतुसन जैसे व्यक्ति, बोले कुर्बन अहित भक्ति इथम भूत गुणहरी, भगवान की कथा में इतने रस इतने आनंद है। जितने ब्रह्म ज्ञानी योगी जब भगवान की कथा को सुनते वो भी सारे ब्रह्म ज्ञान और योग को छोड़ करके बोले कुर्बन अहित भक्ति, भगवान के प्रेम में डूब जाते हैं। और भगवान की कथा कैसे, बोले विपरीत तस्सई रूपकीय मानात भव औसत छत्र मन विरामात, अगर ये भव सागर से कोई पार होना चाहते हो, बोले सबसे मीठा दवा क्या है, बोले भगवान की कथा, ठाकुर जी की कथा, ये सबसे मीठी दवा।
बोले भैया दवा दो। आप देखना एलोपैथी की दवा हम कैसे खाते, मुंह में डाल करके छठ पानी से निकल लाते, हाँ घटक लेते। बोले क्यों? बोले बड़ी कड़वी होती है। बोले आप बता रहे हो भवसागर से पार होने के लिए भगवान की कथा दवा है। बोले हाँ। बोले क्या कड़वी? बोले नहीं। बोले हृत कर्ण रसायन कथा, जो कान और हृदय को जो आनंद देने वाले ये भगवान की कथा है। फिर उन्होंने वर्णना की जिस समय ये कंस बड़ा अत्याचार किया। प्रश्न है आप कंस का पिताजी का नाम क्या था? जानते हो कंस का पिताजी का नाम क्या था? क्या बताओ कौन था कंस का पिताजी? उग्रसेन। बोले उग्रसेन तो इतना बड़ा कृष्ण भक्त, पर उसका बेटा कैसे, उसका बेटा कैसे राक्षस हो गया? बोले उग्रसेन उनको पिता ही नहीं था। बोले कैसे? बोले जब उग्रसेन महाराज की शादी हुई, उनका पत्नी का नाम थी पद्मा। जैसे शादी के बाद में वो अपना पीहर गई थी, वो पीहर गई बड़ी सुंदर लड़झड़ श्रृंगार करते हुए, वो घूम रही थी बड़ी सुंदर बगीचा में। एक दुर्मिल नाम का दैत्य वो आकाश में जा रहा था, उसने पद्मा की रूप को देख करके मुग्ध हो गया। बोले इतनी सुंदरी राजकुमारी, झट उसने अपना रूप बदला करके वही प्रकट हो गया। इतने में पद्मा बोली आप कहाँ से आ गए हो? बोले मैं रास्ता में जा रहा था और तेरे को देख करके यहाँ पर आ गया, और वहीं पर छुप करके गुप्त रूप में बगीचा में मिले। लेकिन जब वो चला गया, अभी पद्मा के मन में डाउट आ गया, ये तो मेरी पति नहीं लग रहा था, इनके तो हाव भाव और जैसे, क्योंकि हर पत्नियां जानती पति का हाव भाव को। बोले इसका हाव भाव कोई अलग लग रहा था, लेकिन उधाराक्षस उसने दैत्य था, अब उसको गर्भ आ गई। उसने जल्दी जल्दी ये बात किसको बताई नहीं, वो जल्दी जल्दी वापस आ गई, अपना ससुर घर में आ गई, ये बात किसको बताई नहीं, बताई नहीं तो उसकी औरत से ये बच्चा हुआ, इतना दुष्ट बना, अपना पिताजी को तो जेल में डाल दिया। इसलिए यहाँ पर शिक्षा देते माताओं को, हर माताओं को ध्यान रखनी चाहिए, हैं? गर्भ में अगर उल्टा पुल्टा चीज आएगा ना, फिर तो पूरा परेशानी, परिवार को परेशानी परेशानी कर देता है बच्चे को। इसलिए हर माताओं को इस विषय में सावधान किया है। अभी उसने पिताजी को जेल में डाल दिया, उसने इतने टहलका मचा दिए। बोले मेरे देश में भगवत भजन नहीं कर सकते, कोई कीर्तन नहीं कर सकते, कोई हवन नहीं कर सकते, सब साधुओं को जेल में डाल दो। नाम लेना तो मेरा ही नाम लेना पड़ेगा, कीर्तन करना तो मेरा ही कीर्तन करना पड़ेगा। अभी साधु लोग जेल में बैठी बैठी करके भगवान को पुकार रहे थे, हे प्रभु कब आकर ये दुष्ट का संहार करोगे। एक दिन कंस अपना बहन श्री देवकी को श्री वसुदेव महाराज को साथ में शादी किया, उसने बहुत कुछ दहेज रूप में दिया, स्वयं रथ में विदाई कर रहा था, आकाशवाणी हुई, रे मूढ़ कंस, जिस देवकी को तुम इतने आदर पूर्वक विदाई दे रहे हो, इसकी अष्टम गर्भ का संतान तेरा काल बनेगा। उसने देखा ये देवता का वाणी कभी झूठी नहीं हो सकती है, इसलिए न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। उसने निकाला तलवार, या चोटी मारने जा रहा था, लेकिन वसुदेव महाराज ने देखा ये आकाशवाणी कभी झूठी नहीं होगी, ये सच है। किसी तरह से देवकी को प्राण हमें रक्षा करनी चाहिए, साम दाम दंड भेद इतनी समझाने के लिए कोशिश की। बोले देखो तो एक दिन मरोगे कि नहीं? बोले मरूंगा। बोले जब मरोगे फिर बहन को मार क्यों मरोगे? बोले मरूंगा जब मर तब मरूंगा, अभी से क्यों मैं मरूंगा? उन्होंने समझाया देख जो शरीर है ये एक कपड़ा है, जैसे कोई कपड़ा पुराना हो जाने पर हम उसको छोड़ करके नए वस्त्र धारण करते हैं, उसी तरह की जो आत्मा है ये नित्य शाश्वत ये आत्मा है, न जायते न मृियते, ये मरती नहीं जलती नहीं आग में जलाया नहीं जाता, ये शाश्वत है। केवल एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में प्रवेश करता है ये शरीर, केवल मरती आत्मा मरती नहीं। जैसे पानी के पास में कोई वृक्ष हो, देखना जब पानी हिलती है ना वो वृक्ष का परछाई भी हिलती है, लेकिन थोड़ी वृक्ष हिल रही है और वृक्ष जैसे तैसे, उसी तरह ये आत्मा नित्य शाश्वत है। इसलिए ये आत्मा तो मरेगी नहीं, बोले जब मरेगा तब मरूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं तो मारूंगा। फिर वसुदेव महाराज बोले देखो तेरे को पता है मैं कभी झूठ नहीं बोलता। बोले हाँ। बोले मैं प्रतिज्ञा करता हूँ मेरे जितने बच्चे ना तेरे सबको सारे तेरे को बच्चे दे देंगे, सारे बच्चे को तो मार डालना लेकिन देवकी को मत मारो, भगवान की माया है। उन्होंने मान लिए।
उनका पहला बच्चा जो कीर्तिमान को जब दिया, कंस का हृदय तो एकदम पिघल गया। बोले अपना बच्चे को काल को हाथ में, वो प्रसन्न हो गया, तेरे सत्यवादिता में मैं संतुष्ट हूँ, ये बच्चे को तू ले जा, बच्चा मेरे क्या करेगा। इतने में नारद जी ने देखा भैया गड़बड़ी हो गई। बोले क्यों? बोले भगवान कब आएंगे? जब पाप की घड़ा भर जाए। लेकिन इसके हृदय में तो दया की भावना आ रही है, फिर भगवान आने में तो देर लगाएंगे। इतने में श्री नारद जी वीणा बजाते बजाते श्री नारद जी आए, एक गुप्त स्थान में बुलाया कंस को। बोले कंस अभी अभी मैं आ रहा हूँ स्वर्ग से, देखा देवता लोग ब्रह्मा जी ये देवता को लेकर मीटिंग कर रहे थे, जानते हो मीटिंग क्या था? तेरे को मारने के लिए। देख ये जितने देख रहे ना जदुवंशी और कोई नहीं, ये देवता लोग जदुवंशी रूप में आए, ये जितने गोपियां और कोई नहीं देवियां सबके सब, ये प्लान करके आए तेरे को मारने के लिए। तब उन्होंने के कमल फूल लाए थे। बोले ये बताओ इसमें 8 पंखुड़ियां थी। बोले ये बताओ ये पहला वाला कौन, आठवां वाला कौन? बोले कैसे बताऊं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। बोले उल्टा गिनाओ। बोले 1 2 3 4 5 6 7 8। बोले कुछ समझ में आ रही है? बोले नहीं। बोले इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही है? बोले बताओ तो स्पष्ट करके। बोले देख देवताओं का वाणी समझना कठिन, तुम इधर से 1 2 कर रहे हो, अगर वो उल्टा से अगर 1 2 करे तो बताओ पहला वाला कौन सा हो जाएगा? 8वां हो जाएगा। जब ये 8 भाई धीरे धीरे बढ़ेंगे, बड़े बनेंगे कि नहीं? बोले हाँ। बोले ये सब के सब मिल करके तेरे को मारेंगे, ये देवताओं का वाणी समझना बड़ा कठिन है। बोले गुरु जी फिर तो सारे बच्चों को मैं मार डालूं। बोले भैया मैं क्यों बताऊ, तू जानता तेरा बाप जानता है, उन्हें तो भगा दिया तरसे को। और नारद जी उठाया वीणा, और वीणा उठा करके कीर्तन करते हुए नारद जी वैसे भाग गए। जब भाग गए इतने में कंस ने एक एक करके 6 बच्चों को मार दी। हाँ देखो यहाँ प्रश्न है, नारद जी इतने बड़े साधु है, अरे बच्चों को क्यों मरवाया? मतलब उनका मरवाया नहीं, उनको मुक्ति करवाया, क्योंकि ये पूर्व जन्म में ब्रह्मा की मानस पुत्र थे, मरी जीते। एक दिन ब्रह्मा एक सुंदर लड़की को जन्म दिया, बड़ी सुंदर, उसका नाम थी सरस्वती। वो लड़की देखने में इतनी सुंदर थी, स्वयं ब्रह्मा जी अपना बेटी को ऊपर मुक्त हो गए, अपना बेटी को पीछा उन्होंने किया था। वो बेटी ने फिर हिरणी बन गई, फिर ब्रह्मा जी हिरण बन गए। इतने में जो उनके 6 बच्चे थे ना, बोले देखो बूढ़े को अपना बेटी को पीछे कैसे भाग रहा है। उन्होंने खिली उड़ाया, ब्रह्मा जी ने कहा मेरे को देख कर खिली उड़ा रहे हो, तुमको अभिशाप देता हूँ, तुम मर करके अपना पिताजी को हाथ में जो 3 जन्म तक मरोगे ना तब तुमको मुक्ति मिलेगी। उन्होंने अभिशाप उनको दिया था। पहले जन्म में काल ने भी किए बच्चे बन करके आए थे मारे पे, फिर वही काल ने भी अभी कंस बन करके आया, इसलिए उन्होंने मरवाया नहीं। इनको पता नारद जी को ये जितने जल्दी मर जाएंगे ना इनको उतना जल्दी मुक्ति मिल जाएगी, नहीं तो नारद क्यों मरवाएंगे। अभी ये 6 कौन है, अभी ध्यान देकर सुनो, भगवान कौन सा गर्भ में आए? भगवान 8वां गर्भ में ठाकुर जी आए। बोले 8वां गर्भ में क्यों आए, इसका क्या रहस्य है? हमारे टीकाकार लोग बड़ी अच्छी अच्छी बात बताते हैं। उनने जो 6 बच्चों को उन्होंने मारे, बोले ये 6 बच्चे कौन है? बोले काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य। भगवान कहते अगर मेरे को हृदय में प्रकट कराना चाहते हो पहले क्या करो, ये काम क्रोध लोभ को पहले मारो, इस चीज को पहले मारो हृदय से। बोले उसको बाद में, बोले सप्तम गर्भ में कौन? बोले बलदेव प्रभु आए। बोले ये बलदेव प्रभु कौन है? ये सप्तम गर्भ में कभी ये स्वयं सेवक का स्वरूप है, भगवान को 10 शरीर से सेवा करते हैं, 5 रसों से सेवा करते हैं, ये स्वयं संधिनी शक्ति के अधिष्ठात्र देवता, भगवान को जो धारण करने वाले श्री बलदेव प्रभु। अरे अष्टम गर्भ में कौन आते हैं? बोले कृष्ण कन्हैया। कौन आते हैं? श्री भगवान कृष्ण। बोले क्यों 8वां गर्भ में क्यों आए? हम उसका दूसरा रहस्य समझो, जैसे क्लास 1 2 3 4 होता है, जैसे MA PhD होता है, भक्ति का भी 8 स्टेजेस है। भक्ति की, भक्ति का जो पहला जो स्टेज है, ये चीज को समझो, पहले श्रद्धा है। जैसे आप सभी के हृदय में श्रद्धा है तभी आप यहाँ कथा सुनने के लिए आए, श्रद्धा नहीं होता तो आप यहाँ नहीं आते। इसलिए भक्तों का सबसे भक्ति का पहला स्टेज श्रद्धा। फिर दूसरा जो स्टेज है क्लास है, बोले साधु संघ।
श्रद्धा है यहाँ पर आए, फिर साधु संग कर रहे हो, कथा सुन रहे हो, फिर जब कथा सुनते हो फिर तीसरा स्टेज क्या है, बोले भजन क्रिया। बोले भजन क्रिया मतलब क्या, अभी जैसे कथा सुनोगे अभी क्या पता चलेगा, ये मानव शरीर बड़ा दुर्लभ है, ये 84 लाख जन्म के बाद भी ये मानव शरीर मिलता, भगवान बारंबार ये मानव शरीर नहीं देते, ये मानव शरीर नहीं ये मुक्ति की दरवाजा पर खड़े हुए हैं। अगर इसी जीवन में प्रभु का भजन नहीं करेंगे फिर वही गद्दे कुत्ते सुअर बनकर के 84 लाख जन्म में भटकते हैं। भगवान ये मानव शरीर दोबारा नहीं देते हैं, ये साधु संघ से ये चीज पता चलता है। इसलिए जो तीसरा स्टेज बताया, श्रद्धा साधु संघ भजन क्रिया, जब पता चलता है इसी जीवन में मुक्ति मिलेगी तब प्रभु का भजन करना शुरू करेंगे। बोले चौथा जो स्टेज है, बोले अनर्थ निवृत्ति। अनर्थ मतलब जो अर्थ नहीं, मतलब हमारे हृदय में जो काम क्रोध लोभ जो चीज है, हाँ चार तरह का जो अनर्थ है, पर जो भक्ति करोगे खरे हृदय से ये सारी गंदी चीज हटेगी। हटेगी तो पंचमा स्टेज क्या, बोले रुचि। बोले रुचि का मतलब क्या, अगर थोड़ी सी हरिनाम करने के लिए बैठे ना भजन करने, हरिनाम मन नहीं लेगा, लेकिन टीवी खोल कर बैठ जाओ हीरो हीरोइन का पिक्चर 3-3 घंटा बैठ कर देखो, वहां पर कोई अरुचि नहीं होता, लेकिन प्रभु की भक्ति करने के लिए जाओ हरिनाम करने के लिए भागो मन ही नहीं लगेगा प्रभु का भक्ति में। बोले क्यों, बोले पूर्व जन्म का हमारी पाप है, ये पूर्व जन्म की पाप है, लेकिन जब भजन करोगे जब हृदय से गंदी चीज दूर हो जाएगी ना, फिर भक्ति में तुम्हारी इतनी रुचि इतनी अच्छी तुमको लगने लग जाएगी, फिर दुनिया तुमको नफरत लगेगी, दुनिया कुछ नहीं, दुनिया तो झूठा संसार है, हैं? फिर तुमको प्रभु के भजन में रुचि आएगी। फिर छठवां स्टेज क्या, बोले निष्ठा। बोले निष्ठा मतलब क्या है, जैसे अभी थोड़ी सी भजन करो ना भक्ति करो, अगर थोड़ी मोड़ी कोई संसार में इधर उधर हो जाए, भले ही किसी चीज को छोड़े नहीं छोड़े, पहले मलाई छोड़ने के लिए बैठे, बोले भगवान हमारे साथ में ऐसे क्या, हम इतने ठाकुर जी की भक्ति कर रहे हैं, खाना नहीं छोड़ेंगे, सोना नहीं, घूमना नहीं छोड़ेंगे, पहले माला ही रखते हैं, बोले प्रभु का भजन ही पहले रखते हैं। लेकिन जब भक्ति दृढ़ता हो जाए ना, जैसे मीरा है, जब मीरा ने भगवान की भक्ति की उसको ऊपर में कितने जीवन में विपत्ति आई, कितने विपत्ति आई राजरानी की, लेकिन उन्होंने दुनिया को त्याग दी, लेकिन प्रभु के भजन को उसने त्याग नहीं दी पूरा, फिर तो पक्का निष्ठा उसकी बनी जाएगी, उसके बाद में फिर भाव हृदय में आएगी, आसक्ति भाव आएगी, जो भाव अवस्था किया कभी कभी भगवान की झांकी दर्शन करने को मिलेगी, कभी कभी भगवान की मीठी मीठी बंसुरी की आवाज सुनने को मिलेगी, कभी कभी ठाकुर जी के चरण की नुपुर की झंकार सुनने को मिलेगी, कभी कभी ऐसे लगेगा जैसे ठाकुर जी आकर हमें स्पर्श किया है, उनके रोंगटे धीरे धीरे खड़े हो जाएगी रोंगटे। ये सब चीज सप्तम स्टेज में, कहते अष्टम स्टेज में कहते साक्षात भगवान हमारे सामने प्रकट हो जाएंगे। अष्टम स्टेज में कौन आए, भगवान कृष्ण आए, इसलिए भगवान अष्टम स्टेज में आए। अभी भगवान कृष्ण आने वाले, ठाकुर जी भगवान जो आने वाले, भगवान कहते जन्म कर्म चमे दिव्यम। हमारी जन्म कैसे हुई, पिता माता के मिलन से, हमारे शरीर 5 चीज से बनी हुई, मिट्टी वायु अग्नि जल आकाश, लेकिन भगवान की शरीर कैसे, बोले सचिदानंद रूपाय, सत चित आनंद के द्वारा भगवान ही है, इसलिए भगवान कहते जन्म कर्म चमे दिव्यम। मेरे जो जन्म कर्म ये दिव्य अप्राकृत है, सबसे पहले भगवान देवकी के हृदय में आए, वसुदेव का हृदय में आए, फिर वसुदेव महाराज ने बड़ी सुंदर सुंदर उन्होंने कथा सुनाई देवकी को, भगवान सप्त ब्रह्म रूप में श्री देवकी के हृदय में आए। एक दिन कंस देखने के लिए आया तो देखा पूरा कारागार उजला उजला हो रहा था, वो समझ गया भैया मेरे काल आ गया है, सोच रहा था मार डालू लेकिन हिम्मत नहीं हुआ उसको, अभी दिन रात सोच रहा है अपना काल को याद कर रहा है, अभी भगवान कृष्ण आने वाले ठाकुर जी। अब देखना इसी जगत में अगर यहाँ मोती आए ना, अगर यहाँ पर मोती आए, आप देखना उनके लिए कितना क्या करनी होगा, स्टेज बनाएंगे, गेट बनाएंगे, स्वागत करेंगे, लेकिन आज कौन आने वाले है, अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड का जो पालनहार आने वाले है, तब उनके लिए कितने स्वागत नहीं होगा। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी बड़ी सुंदर वर्णना करते हैं, जिस वृंदावन धाम में आप बैठ गए ना, भगवान तो यहीं पर आए ना, ठाकुर जी कहाँ पर आए, श्री वृंदावन धाम में ही कृष्ण आए। ये वृंदावन धाम इतने प्रसन्न, बोले क्यों इतने प्रसन्न क्यों हो रहे थे,
बोले भगवान हर अवतार में मेरे ऊपर कृपा की, जैसे बामन अवतार में आए भगवान ये पृथ्वी को नाप लिया था, बरहा अवतार में आए अपना पत्नी बनाए, रामा अवतार में भी भगवान ये पृथ्वी के ऊपर में कृपा की है। अब लोग बताओ तो माँ सीता की सृष्टि कहाँ से हुई, कौन बोलेगा हाथ उठाओ, मैया सीता जी कहाँ से प्रकट हुई, कौन कौन बोलेगा हाथ उठाओ, तो और कौन कौन बोलेगा कहाँ से, पृथ्वी से। हाँ, लेकिन आज आजकल जो बच्चे लोग ना इसे बोल नहीं पाएंगे क्योंकि ये तो रामायण पढ़े नहीं है, लेकिन इनको पता है कौन हीरो का नाम क्या, कौन हीरोइन का नाम क्या है, कौन प्लेयर का नाम भी उसने पता है। इसलिए कहते मैया सीता कहाँ से जन्म हुई है, कहते ये पृथ्वी से मैया सीता जन्म हुई है। इसलिए सीता जी को साथ में शादी किसकी हुई, राम की। बताओ राम का संबंध पृथ्वी से क्या हुई, राम की ये पृथ्वी क्या लगती है, सासु लगती है, इनकी सासु लगती है। इसलिए पृथ्वी बड़ी खुश है भगवान रामा अवतार में भगवान मेरे को अपना सासु बनाया, लेकिन कृष्णा अवतार में जो सत्यभामा है जो कृष्ण के पटरानी वही ये पृथ्वी है। इसलिए पृथ्वी खुश हो रही थी मैं सत्यभामा बन करके आऊंगी और भगवान की मेरे साथ में शादी होगी, इसलिए ये पृथ्वी बड़ी आनंद खुश हो रही थी। अभी जो वृंदावन धाम में तो फल फूल से पूरा लद गया ये वृंदावन धाम, बोले क्यों, बोले भगवान स्वयं आने वाले हैं, मेरी कुंज कुंज में कंदरा कंदरा में प्रभु लीला करेंगे। ये यमुना महारानी ये यमुना त्रि से कलकल नाद करते हुए भगवान की जय जयकार करते हुए आ रही थी, बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, तो जयकार नहीं करे हर भगवान आ रहे जोर से जयकार ले रहा, बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। यमुना क्यों खुश हो रही थी, बोले ये यमुना जो वृंदावन में ना कभी ये दिशा का सखी है, कहते मेरी सखी मेरे को सखी बनाएंगी, लेकिन जो मथुरा में जाती है ना वो कालिंदी रूप में कृष्ण को शादी करती है, बोले कृष्ण मेरे को अपना पटरानी बनाएंगे। इसलिए ये यमुना बड़ी खुश हो रही थी, बोले जो दूसरे दूसरे जो नदियां थी वो भी बड़ी खुश हो रही थी, बोले क्यों कई बात मत करो, बोले दूसरे दूसरे नदियां भी खुश हो रही थी, बोले क्यों, बोले जो सबसे जो बड़ी बहनी है कभी ये श्री यमुना है, और गंगा यमुना आदि जितने नदी उतनी छोटी बहनी है। अगर कृष्ण को साथ में अगर ये कालिंदी की शादी हो गई यमुना में, अरे छोटी बहन क्या लगती है बताओ, इनकी साली बनती है। आप देखना कभी कभी दामाद पत्नी से कभी सालियों को भी ज्यादा प्रेम करते हैं, इसलिए नदियां इसलिए खुश हो रही थी आप भगवान की साली बनने वाले, हमें भी कृष्ण प्रेम करेंगे। और कमल फूल खिलता है दिन में, रात में खिलता है कुमुदनी, लेकिन आज कमल फूल खिल गया रात में, बोले क्यों, बोले संत लोग मेरे साथ में उदाहरण जब देंगे, बोले नमो पंकज नाभाय नमो पंकज मालिनी नमो पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांग्र, संत लोग जब उदाहरण देंगे बोले भगवान की नेत्र कमल हस्त कमल चरण कमल नाभि कमल सब कमल कमल के साथ में, इसलिए कमल फूल बड़ा प्रसन्न होकर के उसने रात को खिल गए। उसका दूसरा कारण बताए भगवान जब राम आए, आप लोगों को बताओ तो राम कौन सा वंश में आए, चंद्र वंश सूर्य वंश में आए। जब भगवान राम सूर्य वंश में आए गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णना करते हैं एक महीना तक राम जन्मोत्सव मना, एक महीना तक वहां पर हुई, अभी सारा दुनिया राम लाला की जन्मतिथि में नाच रहे थे, लेकिन एक व्यक्ति दुखी होकर के रो रहा था कोने में बैठ करके, बोले कौन, बोले ये चंद्रमा। भगवान राम ने कहा देख चंद्रमा मेरे जन्म उत्सव में सारा दुनिया नाच रहे राम लाला में, तू कोने में बैठ कर रो रहे क्यों, बोले बताओ प्रभु जी मैं रोऊंगा रोऊंगा नहीं कि हंसूंगा, बोले तू भी हंसना तू भी नाच, बोले प्रभु देखो सूर्य को वो एक महीना से एक जगह से खड़ा हुआ है, उसी वंश में प्रभु राम आए ना, इसलिए सूरज इधर से उधर नहीं हो रहा था, वो एक महीना तक वहीं पर खड़ा हुआ, बोले जब तक ये सूरज नहीं जाएगा चंद्रमा आ ही नहीं सकते हैं, बोले प्रभु इसी जीवन में तो इसी अवतार में मैं वंचित हो गया, बोले चिंता मत करो मैं जब दूसरा बार आऊंगा ना तेरे वंश में आ जाऊंगा फिर खुश हो जाओगे, बोले पता नहीं आप कब आओगे है, बोले चिंता नहीं मेरा नाम तो होगा राम
लेकिन मेरे साथ में तेरे नाम को जोड़ दूंगा, सारा दुनिया मेरे को रामचंद्र रामचंद्र कहेंगे। खुश है? बोले प्रभु मैं अभी खुश हूँ। अभी भगवान कौन सा वंश में आ रहे हैं? चंद्र वंश में। कृष्ण चंद्र वंश में आए। भगवान जब आए अष्टमी रात में आए, लेकिन चूंकि भगवान चंद्र वंश में आ रहे हैं, चंद्रमा तो एकदम पूर्ण चंद्र रूप में प्रकट हो गया और चंद्रमा में इतने तेज है, ये कमल फूल कब खिलता है? सूर्य का किरण से। अभी रात में क्यों खिल गया? ये चंद्रमा को भ्रमित, ये कमल को भ्रमित हो गया, ये चंद्रमा ना ये सूर्य है। क्यों? भगवान उसकी वंश में आ रहे थे ना, वो इतने प्रकाश को तेज रूप में दे रहा था, चंद्रमा इतने प्रसन्न था, उसको तेज को देखकर कमल को भ्रमित हो गया, इसलिए वो रात को खिल गया, रात को खिल गया। और जिस समय भगवान आए आकाश में काला